Yes, everybody, good evening. So warm welcome to the session. Very first session of Vedantu JEE Elite Live 11th class. And I'm not late, I'm sharp. I'm very sharp. Okay, bilkul sharp. 5 baje main entry mari hai. God bless you. I'm very happy to see hashtag positivity. I'm happy that you remember jab bhi aana hai class mein, to positivity se aana hai, khush hoke aana hai, full energy se aana hai. Great. एंड आई एम सो हैप्पी टू सी मेरा भाई अगर ये रिश्ता आज से हमने बना लिया तो क्या मजा आएगा पूरे 2 साल. सोचो जरा क्या बात है. गॉड ब्लेस यू ऑल. खुश रहो, मजे करो, सीखो, बहुत सारा सीखो और दूसरों की भी मदद करो ताकि वो भी सीखे. यस एंड कमिंग टू फिजिक्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल, सूरी सर के घर पे एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस मेडिकल इमरजेंसी चल रही है. मोर ओवर एकदम से स्टिल एक्चुअली बीइंग वेरी फ्रैंक, इन स्पाइट ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, वेरी वेरी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, सर वॉज सेइंग कि सर सेशन लेना है, आज पहला सेशन है, मैं बच्चों को ऐसे निराश नहीं करना चाहता, कुछ भी हो मैं सेशन लूँगा. बट वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गया, उनका कैमरा एकदम से दोबारा ख़राब हो गया. सो ही वॉज रेडी टू टेक सेशन इन स्पाइट ऑफ वेरी सीरियस मेडिकल इमरजेंसी, बट थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया. तो वी थॉट सर यू डिवोट टाइम टू योर फैमिली एंड आई विल टेक द सेशन इंस्टेड. ठीक है, सो दैट इज वाई फिजिक्स सेशन आज नहीं हो पाया, बट वी डिडंट वॉन्ट टू कैंसल इट. टाइम नहीं खराब होना चाहिए ना, टाइम निकलता जाएगा, सेशन कैंसिल होगा तो पोस्टपोन हो जाएगा, वो नहीं करेंगे. आज मैथ्स का, कल मैथ्स का, और इस वीक के लिए मैथ्स की जगह पर हम इलेवंथ फिजिक्स रख लेंगे. ठीक है, लेटर ऑन. गॉड ब्लेस यू ऑल. बहुत सारे डाउट्स हैं सर क्लियर करने हैं. अरे आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स होंगे, छोटी छोटी क्वेरीज होंगी बहुत सारी चीज़ों को लेने के लिए, और मैं वो सारी क्लियर करूंगा. कब और कैसे ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. तो पहली बात तो आग लगा दो, फुल एनर्जी ले आओ, फिर हम सेशन शुरू कर रहे हैं फटाफट. आई एम सो हैप्पी टू सी हैशटैग पॉजिटिविटी. बेटा इसको बढ़ाओ, खुद पॉजिटिव बनो, आसपास भी पॉजिटिविटी बना दो, क्योंकि वैसे भी कोरोना के टाइम पे हो सकता है काफ़ी बच्चे उदास भी हों, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी पॉजिटिविटी देख के वो भी खुश हो जाएंगे. राइट, सो यस, वेरी वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल. और एनर्जी तो हाई रखनी है हमने फिर, बहुत बढ़िया. तो चलो लेट अस कम टू द सेशन नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल. हियर आई क्लोज द चैट एंड हियर आई एम ओपनिंग अप द सेशन. व्यू करो भैया कहां से, यहां से, और यहां पे आ जाइए और इसको मिनिमाइज कर दीजिए. सो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा, सबको सबको स्क्रीन दिख रहा है. शाबाश, गॉड ब्लेस यू ऑल. हाँ बेटा हाँ, आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, डोंट वरी. मैथ जेई सब कुछ बात करेंगे, गॉड ब्लेस यू, टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर हम सेशन शुरू करेंगे. नंबर वन ऑफकोर्स, माई नेम इज अरविंद कालिया सर, जो अभी नए नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ. आई एम एचओडी मैथ्स एट वेदांतु. About 11 years of experience, so many selections, have attended national level camp 2 times, in which all over India only 50 to 60 candidates get selected or they get chance to enter into it. And of course, I am best teacher awardee at national level 2 times back to back. सब तुम्हारा प्यार है भैया, प्यार करते हैं तुमसे तो हो जाता है, right? And अगर नए बच्चे हो तो do start with like, share and subscribe. फटाफट इसी से शुरू करना है, पॉजिटिव होकर, खुश होकर, सीखने की इंटेंशन से शुरू करना है. बाकी तुम्हारा भाई बैठा, तुम्हारी कोई भी टेंशन होगी वो दूर कर दी जाएगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो. क्या बात है. और इस चैनल पे हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, नो डाउट. ये चैनल थोड़ा हिंदी है तो हिंदी ज्यादा बोलता हूं मैम, को बहुत ज्यादा मजा आता है हिंदी में चटकारे लगा के, बट हाँ विल ट्राई टू मिक्स इट अप हिंदी एंड इंग्लिश. ओके सूरी सर, आई होप कि उनकी फैमिली फटाफट सॉर्ट आउट हो जाए प्रॉब्लम, तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड. अरे तुम सबकी यार पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा ना. ओके, गॉड ब्लेस यू. सो ये मत भूलो और अपने दोस्तों को सबको बोल दो कि फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरा 2 साल आपको यहां पे पढ़ना है और आईआईटी तक क्लियर करना है. अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. इनिक्वेशंस भी होगा, सब होगा बेटा. आज क्या करना है, पूरे 11th में क्या करना है, सारी बातें करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो. ठीक है, ओके. एंड अबाउट वेदांतु का कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग सिस्टम, जो कि आपको ले लेना चाहिए प्रो सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको सेशन के एंड पे बताऊंगा. देखो मेरा सीधा सा रूल है, बिगिनिंग में मेरे को बहुत जल्दी होती कि फटाफट पढ़ाई शुरू कर दी जाए, बट यस क्योंकि बच्चों को यह भी जानना होता है तो मैं एक बहुत क्विक सा गो थ्रू दे देता हूं ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि क्या चीजें हैं. बाकी सेशन के एंड पे इसकी डिटेलिंग, तुम्हारे डाउट्स की डिटेलिंग, मतलब क्लैरिफिकेशन, सब कुछ कर दिया जाएगा. ओके सो यस ऑफकोर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, पोस्ट क्लास कॉन्टेंट मिलता है, टेस्ट होता है, डाउट सॉल्व होते हैं,
पीटीएम होती है, सब कुछ होता है प्ले पेड प्लेटफॉर्म पे भी। और अगर तुम मेरे बहुत सारे कोर्सेज इंजॉय करना चाहते हो तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मेरे बहुत सारे माइक्रो कोर्स चलते हैं जिनको आप आकर एक्सेस कर सकते हो और मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो मुझसे। यस, आई विल बी लॉन्चिंग मेनी कोर्सेज, तो आप सारे बच्चे एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू लॉन्ग ट्रैक माइक्रो कोर्सेज CBSE सब कुछ पढ़ सकते हो। यू डोंट हैव टू पे सेपरेट फीस फॉर डिफरेंट थिंग्स, एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ। इन द सेशन एंड मैं आपको अपनी क्लास का क्लिप भी दिखाऊंगा दैट हाउ दैट क्लास लुक्स लाइक, व्हाई वी कॉल इट इंटरेक्टिव क्लास, राइट? क्या क्या इंटरेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, पर सेशन के एंड पे। अभी तो मेरे को आगे जाना है, सेशन शुरू करना है, यस और नो, राइट? बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस आता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव टू फेस जब आपका JEE होगा, राइट? एंड ऑफकोर्स इसके बारे में सब बताऊंगा कि हमारे आसपास भी कोई नहीं है इंडिया में, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, ओके, सो मेरे ख्याल से ये आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है इसको कैसे लिया जाता है। जिसको नहीं पता सेशन के एंड का पार्ट जरूर सुनना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब सभी लेक्चर के लिए तैयार हो, बता दो फटाफट, एवरीबडी रेडी फॉर द लेक्चर? एंड ऑफ कोर्स आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट गो फॉर द हाइब्रिड मॉडल, सब्सक्रिप्शन ले लो, वहां पे भी मेरे साथ सॉल्विंग करो, मेरे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वहां लॉन्च होते हैं, आप अटेंड करो और यहां से भी आप लर्निंग लो। दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। हाइब्रिड इज समथिंग विच मैं सजेस्ट करता हूं, गो विद द हाइब्रिड मॉडल, जहां से जो अच्छा मिलता है लो और अपना बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालो, बेस्ट पोटेंशियल। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू, मैंने इस सेशन में आपको पूरा एक बताया हुआ कि किस दिन क्या होगा, कैसे चलेगा, सिलेबस कब खत्म होगा, तो जिसने ये सेशन नहीं देखा है फटाफट देख लेना। इसमें पूरा ओरिएंटेशन किया गया है कि आपका क्या प्लान रहेगा, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या सिलेबस कवरेज होगा, सब कुछ बताया गया है, तो ये सेशन जरूर लगा लेना। ओके, नाउ इमीडिएटली स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैं विद इन वेरी वेरी लाइक मुश्किल से 5-6 दिनों में एक दो सेशन रखूंगा जहां पे मैं सारी आपकी क्वेरीज क्लियर करूंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा, एंड आपको 11th का मैथ्स कैसे पढ़ना है, उसमें कहां पे आप आएंगे, कहां पे डाउन आएंगे, बच्चे क्या गलती करते हैं, तुमने किससे बचना है, ये सारी चीजें बताऊंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 5-6 डेज ताकि जुड़ने वाले बच्चे फटाफट जुड़ जाएं। सो यू मेक श्योर एवरीबॉडी, यू मेक श्योर सारे के सारे बच्चों को जोड़ दो। यस, ऑल इन वन, सी यू आर, क्या बात है, ऑल इन वन यहां भी बैठा हुआ है, वेरी गुड अभय यादव, गॉड ब्लेस यू बेटा, एवरीबॉडी वेलकम। प्लीज अपने दोस्तों को बोल दो कि फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग से जो सीख लोगे उसका मुकाबला कोई नहीं है, मिस हो गया फिर वो प्रॉब्लम आती है, राइट? चलो इसके साथ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं। 11th में बेटा अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है और कैलकुलस है, सबसे ज्यादा अलजेब्रा है, उससे थोड़ा कम या बराबर कोऑर्डिनेट है और बहुत थोड़ा कैलकुलस है। अलजेब्रा से हम शुरू करने लगे हैं, अब अलजेब्रा क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, कैलकुलस क्या है, उसके ऊपर प्रॉपर सेशन लूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हें भी प्रो बना दूंगा इन चीजों में, राइट? सो ऑल रेडी फॉर द सेशन, आज हम करने क्या वाले हैं, बहुत क्रिटिकल पार्ट, आज हम करने क्या वाले हैं, डू यू ऑल एग्री? यार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th की बिगिनिंग से ही प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं, टेल मी इन द चैट, यस ऑर नो? नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू, डू यू ऑल एग्री? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 10th की बिगिनिंग से ही JEE का प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। इस चैप्टर में मैं तुमको वो सारे टूल्स सिखा दूंगा जो उन बच्चों ने शायद बहुत सारे टाइम में सीखे, और तुमको मैं 2-3 सेशन में ही उनके बराबर लाके खड़ा कर दूंगा। ऐसी सी चीजें पढ़ेंगे आप जो आपको आती पहले से होंगी, बट आपने उसका वो एप्लीकेशन नहीं देखा होगा जो आपको आना चाहिए। इतनी सी चीज पर एप्लीकेशन इतना बड़ा, जो कि उस बच्चे को आती, इसने पहले प्रेपरेशन शुरू की और तुमको इन 2-3 सेशन के बाद आ जाएगी। तो सबसे पहला काम है अपने आप को उन बच्चों के बराबर लाके खड़ा कर देना जो बहुत टाइम से प्रेपरेशन कर रहे हैं, राइट? वेरी गुड। ऐसे ही बहुत सारे सेशन मैं अपने प्रो सब्सक्रिप्शन पे भी लॉन्च करूंगा, जहां पे मैं वो सारी चीजें सिखाऊंगा 10th मूविंग टू 11th बच्चों को, जो उन बच्चों को तो आती हैं जिन्होंने JEE की प्रेपरेशन 9th या 10th से शुरू की, पर शायद उन बच्चों को नहीं आती जिन्होंने प्रेपरेशन नहीं की पहले, तो मैं प्रो पे भी कराऊंगा, यहां पे भी हम कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं, जैसे कि नाम ही है, बेसिक आइडेंटिटीज एप्लीकेशन एंड बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज। लो भैया, सबसे पहले ये रही दो बेबी आइडेंटिटीज, मैं इनको बेबी आइडेंटिटीज कहता हूं क्योंकि सबको आती हैं, पर क्या तुमको इसकी बढ़िया वाली एप्लीकेशन आती है? फॉर एग्जाम्पल क्या तुम जानते हो इस पप्पी सी, बेबी सी, छोटी सी आइडेंटिटी को यूज करके तुम ऐसा खतरनाक सवाल मजाक मजाक में कर सकते हो?
फोर डिग्री इक्वेशन सॉल्विंग, जिसमें कोई कोई खास बहुत तगड़ा पैटर्न भी नहीं दिख रहा, तुम उसको मजाक मजाक में सॉल्व कर सकते हो। क्या तुमको पता है चीज, आज हमने यही सीखना है कि ये पप्पी पप्पी सी छोटी छोटी आइडेंटिटीज की ऐसी ऐसी भारी भरकम एप्लीकेशन भी है जो उस बच्चे को तो आती है जो पहले से सीख रहा है। तुम शायद थोड़ा पीछे रह गए बट अब नहीं रहोगे। ये रहा पहला पर्पस। दूसरा पर्पस थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इसको तो सीखें। आ जाओ बेटा। तो बेटा सबसे पहले आपने ये सीखना है, ये जो बेबीज आइडेंटिटी है इसको देखने का एक और नजरिया है, उस नजरिए को देखो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये बेबी आइडेंटिटी क्यों करा रहे हो। बेटा 11 साल से पढ़ा रहा हूं, सिंगल डिजिट रैंक निकाल चुका हूं IIT में, तो है फेथ कि तुम्हारे भाई को पता है कि तुम्हें कहां से उठा के कहां तक लेके जाना है। ओके अच्छा आ जाओ, अब इस आइडेंटिटी को देखो। क्या तुम मानते हो कि इसी में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बहुत प्यारी सी चीज, छोटी सी चीज, डू यू ऑल एग्री, ऐसे लिख सकता हूं? सर जी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा दूसरे पे भी आ जाओ, क्या देखते हो कि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकता हूं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, पर ऐसा लिखेंगे क्यों, क्या जरूरत पड़ी है, उसी को तोड़ मरोड़ के ऐसा क्यों लिखेंगे? मैं अभी तुमको एक सवाल कराऊंगा जो तुमने 10th में किया है और तुमने वो याद भी किया, तुम्हें याद होगा कैसे करते हैं, बट तुम्हें ये नहीं पता होगा कि दिमाग में कैसे आया कि ऐसे करना है। टेल मी इन द चैट डू यू ऑल एग्री और नॉट। बहुत सारे बच्चे 10th में ऐसे होते हैं जिनको सवाल आ तो जाते हैं, याद तो कर लेते हैं वो, पर उनको रीजन नहीं पता होता कि यार जिसने ये सॉल्यूशन बनाया उसके दिमाग में कैसे आया कि ऐसे लिख के हो जाएगा। आज तुम्हें पता लगेगा कि दिमाग में कैसे आता है, और तुम ये कहने बंद कर दोगे सर ये दिमाग में कैसे आया, तुम कहोगे सर ऑब्वियस है ऐसे ही करते हैं। अब सुनो मेरी बात, पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस आइडेंटिटी का, जब भी तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए एंड यू रियलाइज ए प्लस बी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल, तो हमेशा ये यूज कर देना, हमेशा ये यूज कर देना हमेशा। सिमिलरली तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही चाहिए बट यू रियलाइज ए माइनस बी बहुत सुंदर है, तो ये यूज कर देना, तो ये यूज कर देना। सर ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कि ब्यूटीफुल है? आओ सवाल में दिखाता हूं ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और ए प्लस बी बहुत सुंदर है, तो ऐसे लगा देना, सवाल खत्म होगा। फटाफट इस सवाल को जरा नजर मारो, आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने 10th में ऐसा कुछ देखा हुआ है, यस और नो? 10th में ऐसा कुछ देखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, डू यू एग्री तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए एंड ए प्लस बी बहुत अच्छा है, एंड ए प्लस बी बहुत अच्छा है, डू यू ऑल एग्री? दिस इज योर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसीलिए जब तुम 10th में इस सवाल को करते हो तो वो क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। पॉइंट चमका, रीजन पता लग गया कि क्यों पेपर में जब तुम्हें सिखाया गया था 9th-10th में इसको ऐसे लिखा गया था, रीजन वॉज ए प्लस बी बहुत अच्छा है और तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। वो लेट ना आया करो, टाइम पे आया करो, बेसिक निकल जाता है दिमाग से, फिर आगे पकड़ में नहीं आएगा। एंड द क्वेश्चन इज डन, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यही आपको प्रूफ करना था। एक बार चैट में फटाफट लिख दो VLOP वेदांतु लर्निंग ओवर पार्ट, अगर तुम्हें इस स्टेप का रीजन पता लग गया कि ऐसा सवाल अब तुम खुद भी सोच लोगे। ऑब्वियस है, शाबाश, वेरी गुड। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, अब अगला सवाल देखो जरा। हमने इसको ऐसे लिखा, हमने सीख लिया कि कब लिखते हैं, जब a प्लस बी बहुत अच्छा होता है, ऐसा कब लिखते हैं, जब a माइनस बी बहुत अच्छा होता है। एक काम करो,
इसी को यूज करके इसको ऑब्जर्व करो, फटाफट सारे इसको ऑब्जर्व करो। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, ऐसे लिख सकता हूं? टेल मी इन द चैट, फटाफट बता दो। अब मैं तुमको एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया मेरा भाई मेरी जान, गॉड ब्लेस यू बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, शाबाश। अब ये ए बी तो कट गया आपस में, तो ऐसे लिख सकता हूं, ओए शाबाश हो शाबाश, दिल खुश कर दिया। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं, इसको देखो। अब यहां से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस टू टाइम एक्स इंटू वन बाय एक्स, प्लस टू टाइम एक्स इंटू वन बाय एक्स, इसको देख लो फटाफट, शाबाश देख लो बस। अब तो तुमको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आने वाले हैं, एस्केप पूछने की हद नहीं। लिखेंगे कब, लिखेंगे कब? भैया मुझे ये पूछा गया है और मुझे दिख रहा है x प्लस वन बाय एक्स बहुत अच्छा है, तो ऐसा लिख देंगे यार, राइट? बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, अब धीरे 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 देखो, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे लिखा था और इसका एक पर्टिकुलर केस बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर के लिए, ये बन गया। हमने इसको ऐसे भी लिखा था, इसका पर्टिकुलर केस बनाया और ये मिल गया। अब इसका हाँ प्लस माइनस और यूज देखते क्या होगा, देखते क्या होगा। बात है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये समझ लेना है फटाफट। आ जाओ, ये सबको क्लियर हो गया ना? फटाफट चैट बता दो कि मैं इसे यूज करके ये लिख सकता हूं, इसे यूज करके ये लिख सकता हूं। सबको क्लियर है तो लिख दो मेरा भाई मेरा भाई, फटाफट बता दो। ये क्लियर हो गया तो लिख दो मेरा भाई मेरा भाई, मजा आ गया। यस 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 यस, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओए छा गए छा गए छा गए। अब हम इसका एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन की ओर। आज जरा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो। डू यू एग्री ए प्लस बी अच्छा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, सेम चीज। वशिष्ठ देखो बेटा, ए प्लस बी बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए इंटू बी। और ये तो हमने अभी देखा, यहां पे कट रहा है एक्स और वन बाय एक्स कट। डू यू एग्री आंसर आ गया? डू यू एग्री आंसर आ गया? हां सर आ गया, तो इजी था। इजी कर करके ही अभी पांच मिनट बाद तुम एक ऐसा खतरनाक क्वेश्चन करने वाले हो कि तुमको खुद को यकीन नहीं होगा कि अच्छा इतना बढ़िया क्वेश्चन हमने मजाक मजाक में कर दिया, अभी मजाक मजाक में कर दिया। तो बेटा वैल्यू डाल दो, ये क्या बन गया थ्री का स्क्वायर और माइनस टू, आंसर इज सेवन। सारे क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली मानसविनी, ये चीजें नाइन टेंथ में आती है। अब मैं इसको आपको रिवाइज करा के एक इसके बढ़िया एप्लीकेशन की ओर लेके जा रहा हूं, जो कि अभी पांच मिनट में आएगी, तुमको मजा आ जाएगा बेटा। अच्छा अगला सवाल देखो जरा, फिर से देखो, देखो सवाल। तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए माइनस बी पूछा है। अब थोड़ा खेल गए वो, ध्यान से देखो, थोड़ा खेल गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए माइनस बी पूछा गया है, क्या मुझे कोई डाउट है इसमें मैं कैसे करूंगा? क्या मुझे कोई डाउट है? नहीं, मुझे तो इस चीज को इसके साथ जोड़ना आता है। यस ओ नो, मुझे तो इस चीज को इसके साथ जोड़ना आता है, मैं तो जोड़ दूंगा, उसके बाद जो पता है रख देंगे, जो पूछा है वो आ जाएगा। लो भैया फटाफट जोड़ो, मुझे तो ये पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। डू यू ऑल एग्री? मुझे तो यह पता है, मुझे तो यह पता है, सबको पता है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जब मुझे पता है तो इसकी वैल्यू 11,
इसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है और ये रहा 2, तो यहां से मैं आराम से कह दूंगा दिस इज इक्वल टू 9 एंड देयरफॉर x माइनस 1 बाय x इज प्लस माइनस 3। बहुत बढ़िया, प्लस माइनस 3 सबने जवाब दे भी दिया। इससे पहले कि अब मैं आगे जाऊं, मैं फटाफट कंक्लूड कर रहा हूं कि हमने क्या सीखा है, क्योंकि अब उसका डैडी आ रहा है, ठीक है। तो फटाफट जो लेट भी आए हैं एक बार देख लो, फटाफट देख लो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने शुरू किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, हमने पहले यह सीखा, राइट। फिर इसी का एक पर्टिकुलर केस बना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम एक्स इंटू 1 बाय एक्स, यानी कि 2। यही सीखा हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने दूसरी वाली छोटी सी आइडेंटिटी को उठाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसका एक पर्टिकुलर केस बना दिया, फिर इसका एक पर्टिकुलर केस बना दिया। क्या बनाया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2। यही सीखा अभी तक हमने, और तो कुछ नहीं सीखा, रादर ये भी हमने रिवीजन ही की है पुराने काम की। अब दिमाग में क्या रखना है, अब दिमाग में क्या रखना है यार, एक्स सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स में लिख सकता हूं, यह दिमाग में रखो फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं एक्स प्लस 1 बाय एक्स की टर्म्स में लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं एक्स माइनस 1 बाय एक्स की टर्म में भी लिख सकता हूं, एक्स माइनस 1 बाय एक्स की टर्म में भी लिख सकता हूं, शाबाश। एंड बेटा ये बेटा प्लस माइनस, बेटा जब रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है ना, जब एक चीज का स्क्वायर 9 है तो वो चीज क्या होगी, प्लस माइनस ऑफ रूट ऑफ 9। ओके वेरी गुड, अब आगे देखो बेटा, एक रिकॉल कर लो, पहले एक रिकॉल भी कर लेते हैं, फिर तुम्हारा कहना कि सर थोड़ा आपने सीधे हैवी वाला सवाल फेंक दिया। एक छोटा सा रिकॉल करें यार, बहुत बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसको सॉल्व करना किसे किसे आता है, टेल मी इन द चैट, जस्ट से यस अगर आता है, से सॉरी सर जी अगर नहीं आता है, सॉल्व करना है, से यस अगर आता है, से सॉरी सर जी अगर नहीं आता है। देखो नहीं आता तो एक्सेप्ट करो सॉरी सर जी, पहले एक्सेप्ट करोगे तभी तो सीखोगे। आई एम सो हैप्पी, दिल खुश हो गया, मैक्सिमम बच्चों को आता है, वेरी गुड, दिल खुश हो गया। तो इस सवाल को देखते ही फील आ रहा था सर जी ये ना कुछ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक की फील आ रही है, इसको ना टी ले लेते हैं, ये बन जाएगा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा टी, और ये प्यारी सी क्वाड्रेटिक आ जाएगी, प्यारी सी क्वाड्रेटिक। अब सॉरी सर जी वाले आ गया यार, बेटा देखो जितने भी सॉरी सर जी का, अरे हां सर ये किया तो था। अब तो क्या है बेटा, सिंपल फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज भूल गया, फॉर्मूला लगा दो, टी आ गया 2 और 3। एक गलती जो बहुत बच्चे करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट कह देते हैं, बेटा क्या आपको टी पूछा गया है या एक्स पूछा गया है, टेल मी इन द चैट। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में आंसर इसी को लिख देते हैं, आपको टी पूछा गया है या एक्स पूछा गया है, टेल मी इन द चैट। ओ एक्स पूछा गया है, तो बेटा फिर एक्स निकाल लो ना, तो व्हाट वाज टी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज 2 और 3, तो एक्स इज प्लस माइनस रूट 2 और प्लस माइनस रूट 3। आ गया याद जी, आ गया याद, वेरी गुड। अब एक काम करो, एक जवाब दे दो, फिर मैं क्लियर हूं कि तुमको आता है, फिर हम अपना अच्छे डैडी क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मुझे बता दो, अगर आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो किस चीज को टी पुट करोगे। डोंट वरी दिवेश खन्ना, एवरीथिंग विल कम विद टाइम, नो बेटा आज आइडेंटिटीज की बारी है, अगले सेशन में फिर इनइक्वालिटीज आएंगी डिटेल में। बहुत बढ़िया,
अब सबको याद आ गया, एवरीबडी नाउ रिमेंबर्स कि ऐसे इक्वेशंस को कहते थे रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। आ गया नाम याद, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है नहीं पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके प्यारा सा क्वाड्रेटिक बन जाता है नहीं बट बन जाता है। सबको याद आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। तो यहां पे बस x माइनस टू को t पुट करना है, पटाक पटाक। अब सारे बता दो, क्या तुम रेडी हो डैडी क्वेश्चन के लिए? डैडी क्वेश्चन पे आ जाएं, अब फटाफट बताओ, आर यू रेडी फॉर डैडी क्वेश्चन? शुड वी कम टू डैडी क्वेश्चन नाउ? बेबी तो खत्म हो गया अब। सर रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है, रेडी है। तो ये लो फिर डैडी क्वेश्चन। ओए होए होए प्यारा क्वेश्चन। अभी अभी जो आपने एक चीज रिकॉल की कि यार कई बार इक्वेशन ना क्वाड्रेटिक होता नहीं है बट सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक बन जाता है। अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसे देखकर आपको फीलिंग आएगी, अच्छा ऐसे सवाल में तो ऑब्वियसली यही करना चाहिए था। देखो जरा, मैंने देखा सवाल को, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब ये तुम करोगे ना, मैं तुमको हिंट देने वाला हूं, माइनस फाइव कॉमन निकाला, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। बेटा सारे के सारे मुझे फटाफट चैट में बताओ, सारे बताएंगे। अगर मुझे ये पता है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही रिवाइज किया, तो मैं यहां पे किस चीज को टी पुट करने वाला? ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ छा गए, छा गए, छा गए, बहुत बढ़िया। ओ यार दिल खुश कर दिया, मजा आ गया। अपने नाम के आगे ओपी लिख दो, अपने नाम के आगे ओपी लिख दो फटाफट, जिस जिसने जवाब दिया ना सबने, अपने नाम के आगे ओपी लिखो, क्योंकि फिर इसके आगे थोड़ा ग्रैंड डैडी आने वाला है। डैडी क्वेश्चन काफी बच्चों ने कर दिया, अब इसके आगे ग्रैंड डैडी आएगा। फिर अब आई शाबाश, दिल खुश कर दिया। तो मैंने क्या चलाकी खेली, मैंने x प्लस वन बाय एक्स को t पुट किया। क्यों किया? पीछे जाओ, तुमने यहां पे x स्क्वायर को t पुट क्यों किया था? क्योंकि तुमको दिखा कि मैं इस चीज को x स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकता हूं, इसीलिए किया था। मैं इस चीज को x स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकता हूं, तो यहां पे भी तो तुम इस चीज को x प्लस वन बाय एक्स की टर्म्स में लिख सकते हो। देखो देखो वहां पे x प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस टू। मैं क्या आगे नहीं जा रहे, अप्रोच दिमाग में आ रही नहीं आ रही है? तो मैं तुम्हें रटा नहीं रहा, अब वो टाइम गया जब तुम्हें सवाल याद करने होते थे। अप्रोच दिमाग में आ रही नहीं आ रही, ऐसे सवालों में उस चीज को टी पुट करते हैं जिसकी टर्म्स में तुम इसको लिख पाओ। तो मुझे पता है मैं इसकी टर्म में इसको लिख दूंगा, सवाल हो गया खत्म। अगर ये टी है तो ये क्या है, टी येलो से लिखते हैं क्योंकि हमने येलो यूज किया है, टी स्क्वायर माइनस टू। ये क्या है, माइनस फाइव टी प्लस एट। ये बन गई बहुत प्यारी सी छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या आगे नहीं जा रहे, बहुत बढ़िया। अब तो तुम तो सॉल्व कर ही लोगे, बहुत प्रेम भाव से कर लोगे, पर मुझे एक बात बताओ, एक प्यारी सी बात बताओ, जब तुमने इसको सॉल्व किया तो क्या तुम्हारा आंसर टू और थ्री आया? टेल मी इन द चैट, क्या आंसर टू और थ्री है? क्या आंसर टू और थ्री है? बताओ बताओ बताओ, आंसर टू और थ्री है क्या? नो 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 नो, तुमको t पूछा है या x पूछा है? पूछा तो x है, ये तो t आया है। तो ये रही बहुत बच्चों की कॉमन मिस्टेक, काफी बच्चों ने सही बता दिया, बहुत ने सही बताया, दिल खुश। तो ये वैल्यू आई t की, पर तुम्हें निकालना है x। तो भैया जाओ रखो, ये देखो, तो t क्या था तुम्हारा, x प्लस वन बाय एक्स। तो यहां से क्या मिला, x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू टू और इक्वल टू थ्री। यहां से x आएगा और फिर सवाल खत्म होगा। एक ही सवाल में कितना कुछ सीखा तुमने, फटाफट दिमाग में देखो, मजा आ जाएगा।
तो ये क्या बना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तो यहां से x आ जाएगा 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, यार इसके तो फैक्टर बन ही नहीं रहे, इसके तो फैक्टर ही नहीं बन रहे। जब फैक्टर नहीं बनते तो क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सर, फॉर्मूला माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। शाबाश, डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। तो तीन आंसर आ गए, वन आ गया, थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू आ गया, थ्री माइनस रूट फाइव बाय टू आ गया। अब इस सवाल में आपने बहुत चीजों को सीखा, चलो इसी को थोड़ा रिपीट करते हैं, बट एक और कंसेप्ट डाल के, एक और कंसेप्ट डाल के, धीरे धीरे धीरे, वो कहते ना धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, कितनों को लगता है कि यार कुछ पिछले का भाई बहन है, कुछ पिछले का भाई बहन है, सोचो जरा, फिर मैं बताऊंगा कि सोचने का तरीका क्या है, पर कितनों को लगता है कि कुछ कुछ पिछले का भाई बहन है। वैसा ही फोर डिग्री का एक्सप्रेशन है, कोफिशिएंट भी कुछ वैसे ही है, देखो वन है, फाइव है, एट है, फाइव है, वन है, पिछले सवाल में भी कुछ ऐसा ही था, कहां गया बे, वन है, फाइव है, फाइव है, एट है, कोफिशिएंट भी मिलते मिलते से हैं, तो कुछ तो भाई बहन है। अब सुनो मेरी बात, जल्दी नहीं करनी, जब भी आप एक ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें ये वाला कोफिशिएंट इज सेम एज ये वाला कोफिशिएंट, मैं कोफिशिएंट की बात कर रहा हूं, एक्स पार फोर का कोफिशिएंट वन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वन है, ये वाला कोफिशिएंट इज सेम एज ये वाला कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम है, -5 -5। ऑब्जर्वेशन समझ आ गई, वेरी गुड विभोर, सबको ऑब्जर्वेशन समझ आया क्या कह रहा हूं। सो जब भी ऐसा होगा कि आपके एक्स फोर का कोफिशिएंट कांस्टेंट के बराबर है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स के बराबर है, विदाउट एनी फेल, कुछ बच्चों ने सही जवाब दे भी दिया, मजा आ गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, करते ही क्या होगा, करके देखो तुमको मजा आ जाएगा। पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट माइनस फाइव बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, जीरो बाय एक्स स्क्वायर तो जीरो ही बन गया। अब बता दो कितने जने मानते हैं ये बिल्कुल पिछले वाला सवाल है, इस टर्म को एक साथ लिखो, इस टर्म को एक साथ लिखो और इस टर्म को अलग लिखो, कितने जने मानते हैं ये पिछले वाला सवाल है, डिट्टो सवाल। अनिरुद्धा विल टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ सेशन, अभी हम इसकी बात करेंगे सेशन के एंड पे, फिर मैं आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा, ओके डोंट वरी, सब मानते हैं, आय शाबाश। सो याद रखो जो पिछला सवाल था ना वो मैंने करवाया क्योंकि मुझे आपको ये सिखाना था, असली सवाल आपको ऐसा आएगा और इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही ये बन जाएगा, और ये हमने पीछे ही किया, पिछला सवाल यही था। लो जी, तो हमने एक बेबी सी आइडेंटिटी उठाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी वाली, और उसके थ्रू अच्छे खासे सवाल हमने निपटाए। पैटर्न को दिमाग में रखना है, ये वाला और ये वाला कोफिशियंट सेम, ये वाला और ये वाला कोफिशियंट सेम, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड, गजब हो गया, मजा आ गया, आय शाबाश। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, यस बेटा ये हायर डिग्री के लिए भी काम करता है, हायर डिग्री के लिए भी काम करेगा, जब भी ये वाले कोफिशिएंट सेम होंगे तो बीच वाले टर्म से डिवाइड कर दो, हमेशा सिमेट्रिक शक्ल बनेगी, सवाल खत्म। तो क्या मुझे इसमें बताने की जरूरत है, क्या करना है फटाफट बता दो, अभी तुम्हारा होमवर्क था तो मुझे लगता है तुम अभी बता दोगे, बताओ क्या करना है इसमें फटाफट बता दो। वेरी गुड, तो बता दो क्या करना है इसे फटाफट, शाबाश सर, ये तो अब करवाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमें दिख ही रहा है सर जी, वन वन
-2 -2 जब भी ऐसा होता है एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड करते ही सर ये बन जाएगी बहुत अच्छी शक्ल। अच्छी शक्ल बोले तो जो ये और ये है इसको एक साथ रखो, ये और ये एक साथ रखो और कांस्टेंट को यहां फेंक के एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी पुट कर दो, सर जी फिर पंगड़े है गए, फिर सवाल खत्म हो गया, फिर सवाल खत्म हो गया। आई शाबाश, बस मुझे एक चीज बता दो फिर मैं कंफर्म दो कि तुमको आ गया है। जैसे ही आपने ये सब्स्टिट्यूट किया ये इक्वेशन बन गई, इसको क्या लिख देंगे बेटा, अभी क्या सीखा, एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन बन जाएगा, ये बन गई। तो मुझे ये बताओ जब यहां से आपने निकाला टी तो ये आ गया जीरो, तो मेरा आंसर वन है क्या, मेरा आंसर वन है क्या, बस ये बता दो मेरा आंसर वन है तो ये बता दो। वरुण इन दैट केस कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता अगर एक कोफिशियंट अलग अलग हो जाए, देखो हर एक 4 degree 5 degree इक्वेशन मजे से सॉल्व नहीं होती, ओके कुछ पैटर्न्स हैं जहां पे हो जाती, मैं तुमको वो पैटर्न सिखा रहा हूं। बिल्कुल नहीं है, वेरी गुड सर, ये आंसर नहीं है, ये तो टी आया है, हमको एक्स पूछा गया है। सर जी ऐसे अब यहां पहुंच ही गए हो तो ये भी बता दो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट आएगा, अब ये भी बता दो यार क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट आएगा। जब तक तुम बता रहे हो मैं ये बता दूं, हर एक सेशन का जो सेशन पीडीएफ है ये आपको रात को इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगा, रात को करीबन 9 o'clock के आसपास होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद डीपीपी आपको ये भी मिलेगा और डीपीपी भी मिलेगी, आपने सॉल्व कर लेना। बिल्कुल सर जी नहीं, यहां पे तो पंगा पड़ गया सर, डी जो आ रहा है ना जब हमने फॉर्मूला लगाया तो डी नेगेटिव आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी नेगेटिव में रियल रूट नहीं होते सर, रियल रूट नहीं होते, तो यहां पे रियल सॉल्यूशन नहीं है। मैं क्या मजा आ गया, ये तो हो गया शाबाश। अब आते हैं आगे, ये अगली थोड़ी सी छोटी सी आइडेंटिटी थी, याद है ये आइडेंटिटी, याद है ये भी बहुत छोटी सी आइडेंटिटी है, अभी बेबी आइडेंटिटी चल रही है, इसके बाद डैडी आइडेंटिटी शुरू होगा, अभी ये बेबी आइडेंटिटी है, हमने बेबी आइडेंटिटी का एक अच्छा एप्लीकेशन देखा, फिर आएंगे डैडी आइडेंटिटीज, फिर उनके एप्लीकेशन देखेंगे। हाँ सर काफियों को याद है, एक दो बच्चे भूल गए, बेटा कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो पहले सबका स्क्वायर 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 आ जाता है, फिर टू टाइम दो दो जने का प्रोडक्ट आ जाता है, दो दो जने का प्रोडक्ट आ जाता है। इस पे कोई बहुत खतरनाक सवाल तो नहीं बनता, बट एक पप्पी सा सवाल बन जाता है, वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि देखो यार मुश्किल चीज में गलती कर गए एडमिसिबल है चलेगा, घटिया चीज में गलती कर गए वो नहीं चलेगा, राइट। तो जैसे कि ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, यहां पे तीन चीजों की बात चल रही है, उन तीन में से दो आपको पता है, एक पूछी गई है, और मुझे लगता है जिस बच्चे ने भी ये वाली आइडेंटिटी देखी है उसको पता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, इन तीनों को तो एक ही आइडेंटिटी जोड़ती है, तो आप सीधे वही आइडेंटिटी लिख देंगे। सो आप कहेंगे a प्लस, बच्चे ने सही जवाब भी दे दिया चैट में, आई एम सो हैप्पी, बट बेटा रुको इसके आगे आ रही है डैडी आइडेंटिटी, वहां पे देखूंगा तुम जवाब कैसे देते हो, मतलब दोगे तुमको बहुत खुशी होगी, नहीं दोगे तो तुम्हारा भाई तुम्हें सिखा देगा फिर दे दोगे। सो आइडिया क्या था, जिन तीन चीजों की बात चल रही है ये आइडेंटिटी उन तीन चीजों को जोड़ती है, ऐसे सोचना है, ओके ऐसे सोचना है, तो आइडेंटिटी हमेशा कुछ चीजों को जोड़ती है, तुम्हें दिमाग में यह रखना कि यह किन चीजों को जोड़ती है। तो इस सवाल में हमें इन तीन में से ये पता है जीरो, और ये पता है 10, और ये पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से हम आराम से निकाल सकते हैं 0 - 10/2 = ab + bc + ca, तो जैसे कि आपने बोला भी था आंसर इज -5।
एक बार चैट में सारे बढ़िया से VLOP लिख दो, सबको बेबी आइडेंटिटीज क्लियर हो गई, बच्चों वाली आइडेंटिटीज क्लियर हो गई, उसका अच्छा एप्लीकेशन क्लियर हो गया, एक बार तुम कह दोगे फिर हम जाएंगे डैडी आइडेंटिटीज पे। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो डैडी आइडेंटिटी पे जाने से थोड़ा सा पहले एक बार मैं ये भी रिवाइज करवा दूं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं, उसके बाद फिर मैं डैडी पे जाता हूं। ये भी क्यूब वाला भी देख लेते हैं ना, ये भी देख लेते हैं, फिर हम जाएंगे डैडी आइडेंटिटी पे। ये भी आपने पढ़ी है राइट। अब इसमें क्या सीखना है, सेम चीज। अभी इसके बाद मैं तुमको फिर से एक टेंथ का क्वेश्चन करवाऊंगा और तुमको आज पता लगेगा अच्छा उस क्वेश्चन को ऐसे क्यों सॉल्व किया गया था, अभी पता लगेगा। इसको देखो बेटा, पहले को ये फॉर्मूला सबको आता है, बट डू यू ऑल एग्री मैं इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, देखो चैट में बताओ पता फटाफट, -3ab इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकता हूं, फटाफट बताओ, ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं? यस सर लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, कब लिखेंगे, ये पॉइंट समझना है, ये कोई नहीं बताता। सुनो, जब भी सवाल में ये पूछा गया हो, दिस इज आस्क्ड, एंड ए प्लस बी सुंदर हो, ब्यूटिफुल, तो ऐसे लिखना है। समझ गए, सारा मुद्दा ही है कि पूछा क्या है, सुंदर क्या है। तो जब भी सवाल में ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा जाए और तुमको ए प्लस बी पता है कि बहुत सुंदर है, तब लिखना है ऐसे। ये चीज दिमाग में रखो, अब पूछने वाला जैसे मर्जी पूछ ले तुम लगा ही दोगे और तुमको दिमाग में आ ही जाएगा, चमका। तो अभी देखो जरा इस सवाल को देखो, अब याद करो अपने 9th-10th के डेज जब तुमने इसको पढ़ा था, याद करो, cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ये तुमसे पूछा गया है, उसके बराबर प्रूफ करना है। देख पा रहे हो कि आज इस वक्त तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप भी पता है और उसका रीजन भी पता है। भैया a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछा गया है एंड a प्लस b बहुत अच्छा है, तो मैं इसको a प्लस b की टर्म्स में लिखूंगा ऐसे। अब सबको चमक गया, ये रहा तुम्हारा a, ये रहा तुम्हारा b, a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा गया, ए प्लस बी बहुत अच्छा है, तो लगा दो फटाफट, लगा दो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी। अब तुमको समझ आया कि उस समय जब तुमने पढ़ा था तुमने ये स्टेप शायद याद किया होगा कि इसको ऐसे ही लगाना है, पर आज तुमको रीजन पता है कि ऐसे ही क्यों लगाना है, ऐसे ही क्यों लगाना है, आज तुमको उसका रीजन पता है। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, एक बच्चा बहुत दुखी है, कहता मेरा कुछ कुछ ब्रेकअप हो गया। बेटा आप गलत साइट पे आए हैं, डेटिंग साइट्स होती हैं वहां जाओ, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव आजकल। हम आपको क्या ही सलाह दे पाएंगे बेटा, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब तो एक्सपीरियंस भी खत्म हो गए बेटा। जवानी में हमसे पूछते जब हम KR सर की उम्र के थे तो शायद तुमको कुछ जवाब दे पाते, अब तो बेटा शादीशुदा, दो दो बच्चे हैं मेरे, एक तो 7-8 साल का होने को आ गया, अब क्या ही सलाह दे पाएंगे। सारे एक्सपीरियंस खत्म हो गए बेटा। अब भैया तुमको पता है बहुत जल्दी आई एम जस्ट वेटिंग कि बच्चे जुड़ जाए, सो मेक श्योर सारे बच्चे फटाफट जुड़े। मैं तुम्हारे लिए एक सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें इस चैनल के जो टीचर्स हैं उनके तुम्हें डार्क सीक्रेट्स और फनी सीक्रेट्स बताऊंगा। देखो मेरा मानना है कि जब तक हम एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील नहीं करते, आपस में भाई बहन की तरह या दोस्त की तरह नहीं हो जाते, तब तक तुम उतना सीख नहीं पाओगे जितना मैं सिखाना चाहता हूं। अब उसके लिए एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। सो पहले मैं अपनी टीम के साथ, पूरी बता दूं जेई टीम के साथ, आपके साथ अपने कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा, अपने मतलब पूरी टीचर्स के,
ऐसे सी, देखो टीचर भी तो कभी जवान थे, जैसे सास कभी बहू थी, तो टीचर्स भी कभी बच्चे थे, कभी जवान थे। तो सारे सीक्रेट शेयर करूंगा एंड फिर मैं तुमसे भी तुम्हारे सीक्रेट्स पूछूंगा, फिर आपस की दोस्ती और भाई बहन वाला रिश्ता हमारा बहुत पक्का हो जाएगा और फिर तो हमें रोकेगा इनको ही, हम तो पढ़ाई कर करके मजे कर करके पूरा 11th 12th निकालेंगे। ठीक है, बहुत जल्द ला रहा हूं, मैं बस वेट कर रहा हूं कि बच्चे जुड़ जाएं, ये ना हो कि मैं पहले बता दूं बच्चे बाद में आए, वो ना हो जाए। तो प्लीज मेक श्योर कि विद इन फटाफट विद इन अ वीक ना दोस्तों को बता दो, बच्चों को ले आओ, सब्सक्राइब करा दो, फिर मैं सेशन रखूंगा सबके साथ कॉमन। ठीक है, आई शाबाश। तो ये तुम्हें पता लगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे यूज कब किया जाता है, जब ए प्लस बी बहुत अच्छा होता है, ये पॉइंट है सारा। ठीक है, अब बेटा ये मैंने आपको बता दिया, ये फटाफट कर दो यार, फटाफट कर दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। जैसे प्लस वाला होता है ऐसे माइनस वाला भी होता है, अभी कभी मैंने यार प्लस वाला भी लिख दिया, माइनस वाला भी लिख दिया है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है बेटा कि ये कब लगाएंगे, जब ये पूछा गया हो और ये बहुत सुंदर हो, ये बहुत सुंदर हो। तो इस सवाल में देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा गया है और ए माइनस बी बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब मुझे गिवन है, तो फटाफट मुझे आंसर बताओ इसका, बता दो बता दो। शाबाश, अभी टॉपिक से भटको मत, ओके अभी टॉपिक से भटको मत, अभी जवाब दो। यस 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 सिंह भट्टी, तुम्हें से जो सारे बच्चे प्रो सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको हमारे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, मेरे सूरी सर के, हर्ष सर के, मोहित सर के, सबके बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। या तो मैं तो चाहता हूं तुमको वहां भी पढ़ाऊं, क्योंकि वहां मैं तुमसे पर्सनली इंटरेक्ट भी कर पाऊंगा, यहां पे थोड़ा मुश्किल होता है इंटरेक्ट करना क्योंकि चैट होती है, बच्चे बहुत है, ओपन प्लेटफॉर्म है, तो इंडिविजुअली थोड़ा इंटरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आई रियली विश यू सी यू ऑन पेड प्लेटफॉर्म एज वेल। तो बच्चे कह रहे हैं सी, तो फटाफट लगाते हैं भैया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी 4। तो भैया क्या बन रहा है ये, 64 प्लस 4 इंटू 2 42 52, तो कितना आ गया भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 316, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो चलो ये बेबी आइडेंटिटी का काम खत्म करते हैं, आप बेबी आइडेंटिटी बहुत सीख ली, उसका सोचने का तरीका भी बहुत सीख लिया, अब आते हैं डैडी आइडेंटिटी पे, डैडी आइडेंटिटी पे आते हैं। अब तो क्या बोल दो सारे चैट में, एवरीबॉडी रेडी, मैंने भी लिया वेदांतु सब्सक्रिप्शन, राम कुमार सी यू वेरी सून, विद इन अबाउट मेरे ख्याल से 1st मई से मैं अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, 1st मई से मैं अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, आपको मिलूंगा वहां पे। अच्छा फटाफट बताओ, चले डैडी आइडेंटिटी पे सारे, चलो अब डैडी ओपी करेंगे, आ जाओ डैडी आइडेंटिटीज की बारी, अब बारी है डैडी आइडेंटिटीज की। अच्छा इससे पहले कि मैं डैडी आइडेंटिटी कराऊं, मेरे लिए एक छोटा सा काम करो, फटाफट काम करो, a माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, फटाफट तीनों को ओपन करके ऐड कर दो, फटाफट तीनों को ओपन करके ऐड कर दो, इसके बाद तुमको मैं डैडी आइडेंटिटी शुरू करूंगा, पहले बेस तो बनाऊंगा डैडी का, सीधे डैडी पे मुश्किल हो जाएगा ना, इसको ओपन करो, तीनों को ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, तीनों को ओपन करके ऐड करो। ओए ना तुक्का ना मारो, ओए कोई जीरो जीरो नहीं आ रहा, तुक्के ना मारो, तुक्के ना मारो, तुक्के नहीं मारने, ओपन करो फटाफट, ओपन करो। ये बन रहा है यस और नो, ये बन रहा है, हाँ अब थोड़ा पास आ रहे हो, सॉरी सर जी, हाँ तो पहले जल्दी क्यों करते हो, किसी ने कहा, मैं टाइम दे रहा हूं, लिखो आराम से। यस महकदीप बिल्कुल, हाँ तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब मैंने इनको ओपन किया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² आ रहा है, अच्छा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b² आ रहा है, एंड सी स्क्वायर प्लस 2c², सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c² आ रहा है, यस और नो, और बाकी बचा हुआ पार्ट भी लिख लो, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, बाकी चलो पॉइंट से लिख लेते हैं, 2ab 2bc 2ca विद नेगेटिव साइन माइनस 2 टाइम ab
ब्रैकेट लगा दूं अगर अलाउ करो, ब्रैकेट लगा देता हूँ। चल नहीं है, नहीं लगाता ब्रैकेट है, क्यों लगा नहीं ब्रैकेट, कोई फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसे ही लिख देते हैं माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, यही बनेगा। अब बिल्कुल सही बता रहे हो, अब आए बिल्कुल ट्रैक पे, ये बन रहा है ये। तो अगर अगर मैं इस पूरे को हाफ से डिवाइड कर दूं, हाफ से डिवाइड कर दूं, तो क्या बनेगा? सर सारे टू कट जाएंगे, सारे टू कट जाएंगे, यस और नो, सारे टू कट जाएंगे। सर यहां पे सी स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे बी स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो? सारे टू कट गए, मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी गुड इंदु, वेरी गुड पुष्कर, शाबाश, सही जा रहे हो। हाँ अब मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना, हाफ टाइम ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, एक सुंदर चीज बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट? नहीं बेटा माधव हम उस पर आ रहे हैं। तो ये रहा पहला डैडी आइडेंटिटी, आपने अभी अभी इसको प्रूफ किया, देख लो फटाफट, अभी अभी इसको प्रूफ किया, अभी इसका डैडी एप्लीकेशन देखना है हमको। पर पहले देख लो सबको प्रूफ आता है ना, कुछ नहीं करना, इसको ओपन कर दोगे टू कट जाएंगे तो बराबर आ जाएंगे। वेरी गुड, ओ शाबाश, सबको आता है। अब सुनो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जिसके बाद ये आइडेंटिटी एक बहुत तकड़ा एप्लीकेशन देगी मेरे को, बहुत तकड़ा एप्लीकेशन। ये रहा छोटा सा ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्व एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, अगर दो स्क्वायर्स का सम जीरो है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो है, तो क्या एक्स नॉन जीरो हो सकता है? टेल मी इन द चैट। देवेश खन्ना क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे भटकते नहीं होते। आज पहले हमने बेसिक आइडेंटिटीज की एप्लीकेशन देखनी है और सेशन के एंड पे इनइक्वालिटीज का थोड़ा बेसिक पढ़ना है, उस बेसिक को यूज करेंगे अगले सेशन में जहां पे पूरा इनइक्वालिटीज आएगा, ठीक? नो सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो हो गया तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, नो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो कैसे बन जाएगा, बन ही नहीं सकता। तो डू यू एग्री, नाउ सुनो डू यू एग्री, अगर ये जीरो है तो आई कैन इंप्लाई एक्स भी जीरो होना चाहिए वाई भी जीरो होना चाहिए, डू यू ऑल एग्री, डू यू ऑल एग्री, डू यू ऑल एग्री, फटाफट बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो हुआ तो बीइंग अ स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो तो कभी हो ही नहीं पाएगा, तो अगर इनका सम जीरो है तो दोनों को जीरो ही होना पड़ेगा। अच्छा यार अगर मैं दो की जगह तीन चीजें लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी देन दिस, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो, टेल मी इन द चैट, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी, इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, गोइंग विद द सेम रीजन, गोइंग विद द सेम रीजन, यार ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है ना, तो अगर इनका सम जीरो है तो तीनों को जीरो ही होना पड़ेगा, तीनों को जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वाई स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जेड स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तीनों का सम जीरो है तो तीनों को जीरो ही होना पड़ेगा। और कमलेश वही तो बता रहा हूं बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, आपने एक्स को लिया माइनस टू स्क्वायर तो फोर बन जाएगा ना, तो स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो सम जीरो नहीं हो पाएगा। अब आया नजारा, आया अब आजू पॉइंट पे, अब देखो पॉइंट बेटा, अब आजू पॉइंट पे, अब आजू पॉइंट पे, यहां देखो बेटा, यहां देखो, अगर मैं बोलूं सेम चीज, सेम चीज, अगर किसी सवाल में ये चीज जीरो दी हो, अगर किसी सवाल में ये चीज जीरो दी हो, तो डू यू एग्री यू कैन स्ट्रेट अवे कंक्लूड ए माइनस बी जीरो होना चाहिए, बी माइनस सी जीरो होना चाहिए, सी माइनस ए जीरो होना चाहिए,
कैन यू कंक्लूड यस और नो बता दो मेरा चैट, मजा आ जाएगा। वही है, बिल्कुल सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर सवाल में जीरो दे दिया तो मैं कह दूंगा एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड भी जीरो है भैया, और की पॉसिबिलिटी नहीं है। आयशा भाई, तो बेटा सवाल में यही होने वाला है। अब सुनो सवाल में क्या होगा, सवाल में ना वो इस चीज को जीरो दे देंगे, सवाल में इस चीज को जीरो दे देंगे, इसको कहेंगे जीरो। तो तुम क्या कंक्लूड करोगे, तुम कंक्लूड करोगे अगर ये जीरो है तो मतलब वो जीरो, दोनों बराबर, यानी के ए माइनस बी जीरो होना चाहिए, यानी के बी माइनस सी जीरो होना चाहिए, यानी कि सी माइनस ए जीरो होना चाहिए, और यानी कि ए बी सी बराबर होने चाहिए, यस और नो, यानी कि ए बी सी बराबर होने चाहिए। आगे नहीं आ रहे। ओ बेटा इरेशनल का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इरेशनल मतलब क्या बेटा, तुम चाहे एक्स को रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव थोड़ी आ जाएगा, क्या कर रहे हो। ओके, ये समझ आ गया, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके सवाल कैसे प्यारे प्यारे सवाल बनेंगे, डैडी क्वेश्चन बनेंगे, डैडी क्वेश्चन। डरना नहीं, बस हौसला बना के रखना, हौसला बना के रखना। याद करने का तरीका सुनो, याद करने का तरीका, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ऐसे याद करना है। कैसे करना है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ऐसे याद करना है। ओके, समर्थ बेटा, अब मेरे ख्याल से आप 10th मूविंग टू 11th नहीं हो, और अगर हो और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो तो बेटा अभी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं चल रही, ठीक है, ये रियल नंबर्स का मैथमेटिक्स चल रहा है, सो डोंट इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर, ओनली रियल नंबर्स आर बीइंग स्टडीड राइट नाउ। बेटा ये सवाल देखो, पहला सवाल देखो, कितनों को दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, माइनस प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट, कितनों को दिख रहा है। नो सूर्यांश, यू नीड नॉट मेक नोट्स, आपको सेशन के बाद में रात को ये सेशन पीडीएफ मिल जाएगा, रात को सबको दिख रहा है, वेरी गुड, ओ वेरी गुड, ओ छा गए। तो मैं सीधे बोलूंगा कि यार तो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, जीरो दिया हुआ है तो पक्की बात है पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर होगा, खत्म, फिनिश, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर इफ दिस, नाउ आई नो इफ दिस इज जीरो पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल। अब चलते हैं एक स्टेप आगे चल रहा हूं मैं। अब लो ये देखो, अब थोड़ा बेहतर बना दिया सवाल को मैंने, और इससे अगला सवाल इसका भी डैडी है, इससे अगला सवाल इसका भी डैडी है, ये ध्यान समझ लो। फिर से पहले तो ये देखो, स्क्वायर है, मानते हो 2p का स्क्वायर है 4q का स्क्वायर है r स्क्वायर है, तो स्क्वायर 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 है, माइनस प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट भी है, मानते हो। तो अगर वैसा है तो ये फॉर्म तो वो बननी चाहिए, शक्ल तो वो बननी चाहिए, वो शक्ल क्या थी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये शक्ल थी। तो देखते क्या बन रही है, क्या बनाओ जरा बेटा, ये रहा 2p का स्क्वायर, ये रहा 4q का स्क्वायर, और ये रहा r का स्क्वायर, क्या ये चीज इनमें से किसी दो का प्रोडक्ट है, बिल्कुल है, 2p इंटू 4q है, मानते हो। वो बच्चों ने आंसर भी लिख दिया, दिल खुश कर दिया यार, माइनस क्या ये चीज 4qr इनमें से किसी दो का प्रोडक्ट है 4q इंटू r है, और क्या ये चीज इनमें से किसी दो का प्रोडक्ट है, बिल्कुल है सर, 2p इंटू r। आगे नहीं जा रहे, पिछला ही कंसेप्ट लगाया, रकमें थोड़ी बदसूरत बना दी, और अगले सवाल में मैं इसको और बदसूरत बना दूंगा, क्योंकि हमको तो हद से गुजर जाना है। बहुत बढ़िया, तो फिर से बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, हमको दिया हुआ है जीरो, तो हमको पता है जब भी ये जीरो होता है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। यहां तक सबको चमक गया, सबको नजारे आ गए, भाई ओपी दिल खुश हो गया, यस बेटा यस ऋषभ सारे होमवर्क, बेटा आपको डीपीपी मिलेगा, हर एक सेशन का डीपीपी होगा, हर एक सेशन का, वो आपको शाम को डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, विद सॉल्यूशन होगा। बहुत बढ़िया, अब इसको और गंदा बनाया जाए, चैट बताओ, एक लेवल और उठाऊं, तुम क्या हो तो उठाऊंगा, बोलो चैट में
इसको एक लेवल और उठा दे। उठा दो सर जी, ले भाई उठाते हैं फिर सवाल अगला। ले भाई अब देखो पंगा, देखो पहले पंगा कहां पड़ रहा है बेटा। पंगा यहां पड़ रहा है कि हमने जो पढ़ा था उसमें माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था। यहां पे माइनस है पर ये प्लस है, ये प्लस है, पंगा ये है। सवाल की खूबसूरती समझ गए हो? बताओ सवाल में खूबसूरती समझ गए हो बेटा? तीन माइनस नहीं दिख रहे, एक माइनस है बेटा। तीन माइनस नहीं दिख रहे, एक माइनस है। अब क्या करें, अब क्या करें? और नहीं 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 नहीं, नहीं। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं और फिर मैं हिंट दूंगा कि मेरे दिमाग में वो कहां से आया। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। मैं 49p स्क्वायर को लिख सकता हूं 7p होल स्क्वायर। यस सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखना, 9q स्क्वायर को लिख सकता हूं माइनस 3q का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं यस और नो, बस ये बताओ लिख सकता हूं यस या नो? 9q स्क्वायर को मैं माइनस 3q का स्क्वायर लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया जा रहे बेटा। 81r स्क्वायर को लिख सकता हूं प्लस 9r होल स्क्वायर, लिख सकता हूं। अच्छा मैंने साइंस को चेंज क्यों किया? अभी सुनते रहो, साइन चेंज क्यों किए? ताकि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो कुछ नेगेटिव आ सके, कुछ नेगेटिव आ सके। इस करके मैंने एक पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लिया। पर जब मैं ए बी लिखने लगा, ए बी ये बना 21pq विद नेगेटिव साइन, बट मेरा तो पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया, एक काम क्या करता हूं, यहां भी माइनस ले लेता हूं। अब मेरा ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। डू यू ऑल एग्री? अब मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, यस और नो? शाबाश। तो बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ए बी बना रहा हूं मैं, ए बी प्लस ए बी क्या बना 21pq, 21pq है। बी सी बना रहा हूं, बी सी माइनस 27 आर क्यू। अब आर पी है इन दोनों का, या यहां पे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया, ये यहां पे माइनस आना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन माइनस। ओके ये नेगेटिव है बेटा, तो ये बन जाएगा माइनस 63 pr। बन गई एग्जैक्ट शक्ल, देखो ध्यान से, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, यहां माइनस आना था, ठीक है, ये माइनस है, माइनस माइनस और ये प्लस। तो जब भी यहां पे तीनों माइनस ना हो, कुछ प्लस हो कुछ माइनस हो, तो यहां पे ना बेटा अंदर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करो प्लस माइनस की कि वो फिट बैठ जाए। अब खत्म हो गया बेटा। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए। तो बेटा अगर ये जीरो है तो ए शुड बी इक्वल टू बी शुड बी इक्वल टू सी। एक मिनट इसको ठीक कर दूं, माइनस 3q एंड 9r। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छा गए सब सेट हो? अच्छा सॉरी, और मेरे से गलती होगी, माई बैड। सॉरी, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए चाहिए होता है बेटा, तो मैंने तो यहाँ प्लस बना दिया, तो यहाँ पे बेसिकली बना। रुको, वेट, माई बैड, रुको, सुनो यार बेटा, ये मैंने गलती कर दी, ध्यान से देखो, मेरी गलती है बेटा, ध्यान सुनो। यहाँ पे आना था माइनस ए बी आना था, दैट इज 21pq। ओके फिर आना था माइनस बी सी, तो सवाल जो था पहले ठीक था बेटा, वो पहले ठीक था, मैंने गलत लिखा यार, मैंने गलत लिख दिया, क्या करता हूं बेटा। रुको, मैंने गलती की है, सवाल में कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, वो मानते हो? शायद तुमने भी शायद सेम गलती कर दी जो मैंने की,
हमने माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखना था, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दिया, राइट? और समझे, मैंने भी गलती की यारो हो। यस गलत कर दिया था, ठीक है। अब बेटा देखो, अब देखो माइनस ए बी तो ये बना माइनस 21 पी क्यू, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, प्लस 21 पी क्यू। फिर माइनस बी सी लिखना था तो ये क्या बना 27 क्यू आर विद नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन गया। और फिर आना था माइनस दिस माइनस 63 पी आर, ऐसे। ये सवाल समझ आया? अब नो डाउट ये जो मैंने लिखा है वो उसके मुताबिक यहां पे माइनस यहां पे प्लस होना चाहिए था। सेम आप यहां भी माइनस क्रिएट कर सकते हैं, मैं ठीक कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यहां पे भी माइनस क्रिएट कर सकते हैं सवाल के मुताबिक। अब देखो सबको ये समझ आ गया कि माइनस क्रिएट कैसे हो रहा है, सबको ये समझ आ गया। अब देखो इसको ठीक कैसे करना है, अब देखो बता रहा हूं ठीक कैसे करना है। मुझे पता है यहां पे माइनस ए बी लिखना है 7p3q, मैं बता रहा हूं माइनस कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां पे आना है, माइनस बी सी 3q9r एंड माइनस सी ए यानी के माइनस 7p9r। अब तुम बताई दो अपने आप, मैं चाहता हूं, सुनो ध्यान से, अब मैं चाहता हूं कि यहां प्लस आए, यहां माइनस आए, यहां प्लस आए। 21 पी क्यू प्लस कब बनेगा, जब यहां पे ये अंदर नेगेटिव होगा, यस अंदर नेगेटिव होगा। अच्छा तो यहां पे अंदर नेगेटिव आना है, ये प्लस कब बनेगा, जब यहां पे भी अंदर नेगेटिव होगा, यहां पे भी अंदर नेगेटिव होगा। तो बेटा यहां दोनों में कॉमन 7p है तो 7p पे माइनस लगाओ, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना। अब यहां पे आ जाओ क्यू आर, ये अपने आप नेगेटिव आ गया तो यहां पे माइनस लगना था। सबको समझ आ गया? यस यस यस, काफी बच्चे मुझे वहां से बता भी रहे हैं कि 7p के साथ नेगेटिव आना था। बिल्कुल ठीक कर दिया मैंने, ठीक कर दिया मैंने बेटा, वो बिगिनिंग में मैं थोड़ा प्लस में ले गया, गलती कर दी मैंने, आई एक्सेप्ट माई बैड। देखो जो गलती है तो गलती है, मैंने गलती की तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, राइट, माई बैड। तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा। एक बार देख लो सारे प्यार से, सारे देख लो, कोई ना सर जी, ओए होए होए थैंक यू बेटा, सारे देख लो फटाफट। छा गए आ, ओके। तो एक सुनो मेरी बात, अब इस सवाल को कंक्लूड करूं। मुझे स्क्वायर 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 प्रोडक्ट 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 दिख रहा था, पंगा ये था कि यहां और यहां माइनस नहीं था, प्लस प्लस था, जबकि इसमें माइनस होता है, तो पक्की बात है कि इसके अंदर कहीं माइनस क्रिएट हो रहा होगा, इसके अंदर कहीं माइनस क्रिएट हो रहा होगा और वो माइनस माइनस जो है प्लस बन रहा होगा। तो बस वही किया हमने, हमने यहां माइनस बना दिया, यहां माइनस बना दिया और कुछ नहीं किया। और पुलकित यादव क्यों तुम्हें रिप्लाई नहीं देता बेटा, तुमको जरूर रिप्लाई देते हैं, मुझे इसका आंसर बता दो दिल खुश हो जाएगा। ये डैडी क्वेश्चन आ गया फिर से, अब फिर से डैडी क्वेश्चन आ गया ये, हाँ यस ह्यूमन एरर, बताओ आंसर बताओ। ओए तेरी, ओए बंद हो जा, ओए यार एक मिनट, ये क्वेश्चन था, हाँ ये था प्रेजेंट, इसका आंसर बता दो। ऑप्शन बी, बी 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 बी, हाँ लेट अस सी की बी है या नहीं है। तो हमने देखा कि यार लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर स्क्वायर तो दिख रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, पर राइट हैंड साइड पे कुछ अजीब सा प्रोडक्ट दिख रहा है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो डू यू एग्री राइट हैंड साइड पे दो दो का प्रोडक्ट आ रहा है 15yz, आगे क्या आ रहा है प्लस 5xz प्लस 3xy। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुग्धा बेटा, मुझे आपका डाउट समझ नहीं आ रहा बेटा, क्या हो गया बेटा, क्या खा के आए हो?
अब इसको इधर ले आओ और देखो कि प्रोडक्ट बन रहा है। बिल्कुल सर, ये 15YZ जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। 3Y5Z माइनस ये 5XZ जो है ये इसका और इसका प्रोडक्ट है, माइनस एक्स इंटू 5Z, और ये 3XY इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो एक्स इंटू 3Y। लो जी, पूरा बन गया, पूरे का पूरा बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू 3Y इक्वल टू 5Z। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। यस बेटा, पिछले सवाल में आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर्वेश। अभी आता हूं उस पर। यह सवाल समझ आ गया, शाबाश। डीपीपी बेटा डिस्क्रिप्शन में आएगी रात को, डोंट वरी, गॉड ब्लेस यू। छा गए। पिछले सवाल में एक बच्चे ने सही बोला, मैं आपको बता देता हूं। सर अगर ये मेरा आंसर है तो मैं आंसर ये भी तो लिख सकता हूं, -3Q -9R। हाँ बेटा, ये भी लिख सकते हो, तीनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया। ये लिखना और ये लिखना दोनों ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों एक ही चीज है, ठीक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये भी समझ गए। चलो फटाफट मैं इस सवाल को कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, दोबारा से इसी सवाल को दोबारा कंक्लूड कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे अगले डैडी पे जो कि इन इक्वेशंस की ओर बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ेंगे इन इक्वेशन पे, धीरे धीरे बढ़ेंगे इन इक्वेशन पे। ओके पुलकित, यार हमको तो दिखा प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्क्वायर 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 प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, यस और नो, यही दिख रहा है हमें तो। हाँ, तो जब भी ऐसा होता है कि मुझे स्क्वायर दिखता है, स्क्वायर दिखता है और स्क्वायर दिखता है, माइनस प्रोडक्ट दिखता है, माइनस प्रोडक्ट दिखता है और माइनस प्रोडक्ट दिखता है, तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लगता है और आंसर आ जाता है। गॉड ब्लेस यू जेई स्टूडेंट, ठीक है, और आंसर आ जाता है। तो बस यही था, ये चीज कुछ और नहीं, 3Y इंटू 5Z है। तो ये रहा आपका ए बी, ये आपका बन गया ए सी एक्स इंटू 5Z, और ये बन गया आपका बी सी सॉरी ए बी एक्स इंटू 3Y। तो बस बेटा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, वेरी गुड, शाबाश, छा गए। अब बेटा, अच्छा मैं फिर से याद करा दूं, जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है देख लो, इसमें मैंने पूरा ओरिएंटेशन किया हुआ है कि सेशन कैसे चलेंगे, फ्लो क्या रहेगा, कौन टीचर पढ़ाएंगे, शेड्यूल क्या रहेगा, सब कुछ बताया हुआ है, डीपीपी प्रीवियस ईयर टेस्टिंग सब कुछ बताई हुई है। इस सेशन को जरूर देख लेना, ठीक है, कुछ नहीं करना, वेदांतु जी सब्सक्राइब करके आपको वह होम पेज पे मिल जाएगा, होम पेज पे मैंने ऊपर ही लगाया हुआ, ऊपर ही मिल जाएगा आपको ये, ठीक। ओके, अब बेटा ये कितनों को याद है, ये कितनों को याद है बताओ, पढ़ा सबने है याद कितनों को, ये बताओ, पढ़ा सबने है याद कितनों को, ये बता दो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू दिस होता है, याद है सबको, याद है, मैं कहा दिल खुश हो गया। अब बेटा जरूरी जो है वो ये चीज है, ये आइडेंटिटी कितनी काम आएगी, बहुत कम काम आएगी, बहुत कम, पर इसका ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगा, जो कि बच्चों ने पढ़ा होता है बट ज्यादा लगाया नहीं होता, इसलिए भूल जाते हैं, यूज करना भूल जाते हैं, और 11th में ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, समझ रहे हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बात करें आइडेंटिटी की तो ये इसके बराबर होता है, अगर ये चीज जीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जीरो हो गया, यस और नो, इसका जीरो होना मतलब ये जीरो हो गया, यानी कि या तो ये जीरो है और या फिर ये जीरो है, और तुमने अभी अभी पढ़ा अगर ये जीरो होता है तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सबको समझ आता है ये पॉइंट, चैट में फटाफट बता दो, सबको समझ आता है ये, फटाफट चैट में बता दो, फिर इसका आप सवाल देखेंगे, सबको आता है। अब इसका सवाल भी देखते हैं, प्यारा सा सवाल देखते हैं, राइट, आ जाओ प्यारा सा सवाल देखो इसका, ये देखो सवाल, मैं कहा सवाल पढ़ो, पहले तो तुम्हें फीलिंग आ जाएगी कि कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो वही है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन तो वही है,
चाहे देखने में बदसूरत लग रहा हो बट कैटेगरी वही है। यहां पे भी क्यूब, यहां पे भी क्यूब, यहां पे भी क्यूब, और यहां पे प्रोडक्ट है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस, इसको इधर ले आओ 24xyz को, x इंटू 4y2z इंटू 3=0। डू यू ऑल एग्री? एग्जैक्टली पिछले वाला फॉर्मेट है, बस देखने में गंदा बनाया हुआ है। देखो ध्यान से, ए क्यूब बी क्यूब यहां पर प्लस था, हाँ प्लस सी क्यूब माइनस 3abc=0। एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट, राइट? और हमको तो पता है बेटा जी, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc=0 होता है तो क्या होता है, या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है, या फिर एबीसी बराबर होते हैं, या फिर एबीसी बराबर, ये मिसप्रिंट है मैंने हटा दिया, ओके, या फिर एबीसी बराबर होते हैं। तो बेटा जी यहां पे भी या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, डू यू ऑल एग्री, और या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अब मुझे चैट में सवाल देख के बता दो, क्या ये पॉसिबल है? सवाल देख के बताओ, सवाल देख के बताओ, क्या पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या ये पॉसिबल भी है? क्या ये पॉसिबल भी है? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर हमें दिया हुआ है कि x प्लस 4y प्लस 2z तो 12 है, रिजेक्टेड, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। गजब आ गया मजा। तो बेटा अब इतना काम तो तुम कर दो, मुझे चैट में बता दो, अगर मैं तुमको बता दूं कि ये तीन चीजें बराबर हैं और मैं तुमको ये वाली इंफॉर्मेशन भी दे दूं, तो एक्स वाई जेड कैसे निकालते थे? जब भी दो तीन चीजें बराबर दी होती हैं तो क्या करते हैं, उसको कुछ के कह देते हैं। यहां से x भी k की टर्म में लिख लेते हैं, y भी k की टर्म में लिख लेते हैं, और z भी k की टर्म में लिख लेते हैं। और इसको लिखने के बाद क्या डांस करते हैं? नहीं सर, डांस नहीं करते, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आ गया याद? सब्स्टिट्यूट करते ही k आ जाता है, k आ गया तो आंसर आ गया। फटाफट चैट बता दो या सुनो, शाबाश। बाकी ये अलग बात है कि आप, क्योंकि x 4y2z आप सीधे देख सकते हैं बराबर है, तो 3k 12 आ गया, तो k आ गया 3 आ गया, तो xyz तीनों मिल गए, 4 सॉरी k आ गया 4, तो आपको xyz मिल गए। बहुत बढ़िया, तो जैसे आप इसको k बोलेंगे, k आ जाएगा 4, k आ गया तो xyz आ गए, छा गए, बहुत बढ़िया। अब ये अगला सवाल, अब ये थोड़ा दूसरा एप्लीकेशन आ गया, दूसरा एप्लीकेशन। अब इस सवाल में कुछ नहीं है, बस हौसला, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है और कुछ चेक नहीं हो रहा, सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है। पिछला सवाल मैंने कराया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो था इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, इस ऑब्जर्वेशन को बेस्ड। नॉर्मली सवाल 11th में ये आएंगे, आपको ये 0 दिया होगा और आप ये कंक्लूड करेंगे, बट वंस इन अ व्हाइल ये इसके बराबर लगा के पूरी आइडेंटिटी भी आ सकती है, आने को क्या है। तो एक आधा सवाल उसका भी देख लो, देखो ध्यान से, तुम्हें पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूछा गया है, पूछा गया है, और गिवन क्या है? सब कुछ तो गिवन है, और चाहिए क्या? ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यार चैट में बताओ, चैट में बताओ फटाफट, इसका कैसे निपटारा करूं, ये कैसे निपटाऊं? मुझे ए बी बी सी सी ए तो पता है, चलो वो पता है, इसकी टेंशन खत्म करो, ये तो पता है, पर इसका क्या करूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का इसका क्या करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या करूं? ये पता है, ये पता है, इसका क्या करूं? वेरी गुड सर जी, इसका होल स्क्वायर यूज कर लो, जैसे दोनों साइड स्क्वायर करो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16। सर जी यहां से ना मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। डू यू ऑल एग्री? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहां से बताओ, इसकी वैल्यू क्या आई? 16 माइनस टू टाइम ए बी बी सी सी ए दैट इज 5। डू यू ऑल एग्री? तो बेटा फिर तो सवाल खत्म हो गया। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 16 माइनस 10 6 माइनस ए बी बी सी सी ए 5। तो आंसर इज 4। किस किस का आंसर 4 आया था? काफियों का आ गया। एक दो बच्चे 6 भी कह रहे हैं, ओए पिटाई हो जाएगी। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 कह रहे हो, फिर ठीक है, फिर ठीक है। छा गए, आगे नहीं जा रहे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चिरंजीव, ये चीज आज 11th में बिगिनिंग काफी ज्यादा अलजेब्रा चलता है और अलजेब्रा में ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जगह पे यूज होंगी, हालत टाइट हो जाएगी अगर इस पे एक्सपर्टीज नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, गुड गोइंग, मैं दिल खुश कर दिया। अब बेटा इनइक्वालिटीज की बारी। करें कुछ इनइक्वालिटीज का सिर्फ आज बेस पढ़ना है, और जो मेरा मेजर पर्पस है वो तुम्हें ये सिखाना है रेसिप्रोकल कैसे देखे जाते हैं। मुझे चैट में बताओ अगर एक वैल्यू है एक्स की जो ना 1 से लेके 5 तक जाती है, ओके 1 से लेके 5 तक, तो क्या तुम उसका रेसिप्रोकल बता सकते हो कहां से कहां तक होगा? टेल मी इन द चैट। अगर एक्स 1 से 5 तक जाता है तो 1/x कहां से कहां तक जाएगा? कैन यू टेल मी दैट? बताओ जरा, सीधे दो नंबर लिख दो जिसके बीच में लाई करेगा। बिल्कुल सही सर जी, 1/5 से 1 में लाई करेगा, 1 से 5। ओ शाबाश, अब मैं सवाल को कर रहा हूं चेंज और अब तुमको आएंगे नजारे और फिर तुम्हें बताऊंगा कि वो कितना आसान है, उसको कैसे देखना है। वेरी गुड। तो बच्चे कहते हैं अगर एक्स 1 से 5 है तो 1/x जो है ना वो 1/5 से 1 होगा। अब बताओ तो मानो अगर मैं बोलूं x जो है -2 से 2 है तो 1/x कहां लाई करेगा? अगर ये बता दिया तो मानूंगा कि तुमको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है इनइक्वालिटीज का। सर जी -1/2 से 1/2, बिल्कुल गलत जवाब। सो अभी हम सीखेंगे कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? तो बस ये हिंट दे रहा था कि ये चीजें जो हम सीखने लगे हैं आज इनइक्वालिटी में, रेसिप्रोकल करना इतना आसान नहीं होता जब इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। ओके तो आज जो सीखे, सबसे पहले तो यार इनइक्वालिटी होता क्या है, इंटरवल क्या होता है? कुछ नहीं यार, अगर मैं बोलूं x जो 2 से बड़ा है तो x क्या क्या हो सकता है? 2 से आगे सब कुछ। कॉमन मिसकंसेप्शन सर, यानी कि 2, 3, 4, 5, नो, 2 के आगे बहुत सारे नंबर है, 2.1, 2.01, 2.5, बहुत सारे नंबर है। तो व्हेन आई से x ग्रेटर देन 2, आई मीन 2 से आगे सब कुछ, और 2 से आगे सीधे 2.01, 2.02, बहुत सारी चीजें हैं। सीधे 3 नहीं आता। ओके इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका यह रहता है, x ऐसे लिख के 2 से इंफिनिटी। अभी ध्यान से देखना, थोड़ा नोटेशन सिखा रहा हूं ताकि तुमको मैं असली चीज सिखा पाऊं। 2 से इंफिनिटी ये जो चीज लिखी है इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, काफी बच्चों ने 10th में देखा होता है बट स्टिल रिवाइज करवा दूं, इसे पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। अच्छा तो मेरे ख्याल से अब सेकेंड तो मुश्किल नहीं तुम्हारे पास। सेकेंड क्या है? 2 से पीछे सारे। एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूं 2 से पीछे सारे, शुरू कहां से हो रहे हैं? शुरू सर जी माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से। तो वही है, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक,
बहुत बच्चों को ये डाउट होता है, सर इन्फिनिटी पे ऐसे राउंड ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? राउंड ब्रैकेट, बच्चों को पता होता है कि राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है कि टू नहीं है, टू के आगे सब कुछ है, यहां पे टू नहीं है, टू के पीछे सब कुछ है, यहां पे भी देखो ओपन सर्कल लगाया गया है। अभी समझाता हूं इसको, पहले ये देखो, अब ये क्या आ गया, टू और टू से आगे, यानी कि ऐसा टू और टू से आगे। इसको लिखते कैसे हैं, अब ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। एक बार फटाफट नोटेशन रिवाइज कर रहा हूं, देख लो फिर मुद्दे पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि टू भी है और टू से आगे भी है। देखो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यहां पे सॉलिड बनाते हैं, यहां पे ओपन बनाते हैं। अब आई बात, यार इन्फिनिटी पे क्लोज क्यों नहीं लगाते, चैट पे बताओ, इन्फिनिटी पे क्लोज क्यों नहीं लगाते, इन्फिनिटी पे क्लोज क्यों नहीं लगाते यार? और उसके बाद तुमको मैं एक फन फैक्ट बताता हूं, बहुत तकड़े वाला फन फैक्ट, फिर तुमको मैं एक बड़ा तकड़े वाला फन फैक्ट बताता हूं। हां, क्योंकि हम इन्फिनिटी को देख ही नहीं सकते, हम काम किस में करते हैं, रियल नंबर्स में, और रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारा बट ओपन, तो हम इन्फिनिटी को नहीं पकड़ सकते, कभी पकड़ नहीं सकते, इस करके वहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाई जाती। सर क्या कोई ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें इन्फिनिटी भी आ जाए? होता है, उसे कहा जाता है एक्सटेंडेड रियल नंबर, पर वो आपको आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने मैथ को कंटिन्यू किया, तो अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये रहा। अब इससे पहले कि मैं इसकी बात करूं, एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछने लगा हूं, ये मैंने पहले भी पूछी थी, शायद काफियों को याद भी हो, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, जस्ट से यस और नो, जस्ट से यस और नो, ट्रू 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 ट्रू, काफी ट्रू कह रहे, थोड़े से बच्चे नो कह रहे हैं। अच्छा अब दूसरा बताओ, 2 greater than equal to 1, is this correct? अब इसके बारे में बताओ, क्या ये सही है? फिर से मिक्सचर, यस 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 यस, नो 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 नो, यस 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 यस, नो नो नो, यस नो यस नो चल रहा है, काफी फास्ट चल रहा है, तो बहुत बच्चे जवाब देना चाह रहे हैं, बट मिक्सचर है बिल्कुल। अब सुनो बेटा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जो यस कह रहे थे वेरी गुड, जो नो कह रहे थे अब सीख लो, सीख के तुम भी वेरी गुड के बराबर हो गए, उन्होंने पहले बता के कौन सा कुछ एक्स्ट्रा सीख लिया, कर लिया, तुमने भी सीख लिया, तुम के बराबर हो गए, दोनों करेक्ट है बेटा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है ये समझो, ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर हो गया तो भी चलेगा, इक्वल हो गया तो भी चलेगा, इक्वल हो गया तो भी चलेगा, ग्रेटर हो गया तो भी चलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ग्रेटर और इक्वल, उसमें दोनों चलते हैं, दोनों, आ गया समझ? इक्वल हो गया तो भी ठीक है, ग्रेटर हो गया तो भी ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखना। ओके समीर जी, अब आ जाओ इस पे, ये कुछ नहीं है बेटा, ये तो क्या ही है, अब तुम्हारे लिए बच्चों वाला काम है, टू से लेके फोर तक है, टू ओपन है, फोर क्लोज्ड है, ऐसे लिखने का तरीका भी तुम्हारे लिए नया नहीं है बेटा, ओपन टू से फोर क्लोज्ड है, राइट? यहां पे आ जाओ, टू है ये फाइव है, क्लोज्ड है ये भी क्लोज्ड है, तो एक्स क्या आ गया, टू से फाइव, ये सबको आ गया लिखने, ये सब ठीक है। मुझे एट्थ बताओ, अब एट्थ, एट्थ वाला थोड़ा अलग लग रहा है, एट्थ वाला, एट्थ वाला अलग है, x belongs to 1 to 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, इसमें क्या करेंगे, इसमें, ओ शाबाश, सुनो 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 सुनो, इसमें क्या लिखा गया है, x जो है 1 से 3 है, 1 से लेके 3 तक, और x जो है 5 से 9 भी है, 5 से लेके 9 तक। जब हम सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा,
बेसिक मैथमेटिक्स के बाद, वहां पे हम इन चीजों को फॉर्मली सीखेंगे। बट बात है कि उससे पहले भी हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस करके इसको आज से लिखना सीख लो। x बिलोंग्स टू 1 से 3, 5 से 9। x यहां भी है, ये भी है, यानी कि ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। तो इन दोनों को एक साथ कैसे लिखेंगे? कैपिटल U डालेंगे, जिसे बोला जाता है यूनियन, जिसे बोला जाता है यूनियन। तो याद रखो, जब भी आपको ऐसे टुकड़ों में आंसर आ जाए, टुकड़ों में सार, ये तो लिखने आते हैं, पर अगर टुकड़ों में आ जाए तो बीच में यूनियन लगाना है। यूनियन को हम फॉर्मली पढ़ेंगे सेट्स में, बट आज के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि इसमें लगा देते, ऐसे लिख दिया जाता है। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, शाबाश, लिखना भी आ गया, ये एक फन फैक्ट भी पता लग गया। अब आते हैं बिल्कुल बेसिक्स पे, जिसके बाद मैं तुमको रेसिप्रोकल करना सिखाऊंगा। इनइक्वालिटी में रेसिप्रोकल करना बड़े बड़े बच्चों को नहीं आता बेटा। अभी 5 मिनट बाद, बिल्कुल इसके बेसिक आने के बाद 5 मिनट बाद तुमको रेसिप्रोकल करने बताऊंगा इनइक्वालिटी में। अपने किसी सीनियर से पूछ लेना, 12वीं के बच्चे से पूछ लेना, वो भी गलत कर देगा, ठीक है? अभी बताता हूं और तुम अभी सीख लोगे, तुम क्या एक्ट बन जाओगे अभी। ओके बेटा, आ जाओ बेटा। ए ग्रेटर देन बी इंप्लाइज दिस। तो बेटा ये हमको पता है, अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, दोनों साइड पे अगर सेम चीज ऐड कर दोगे तो स्टिल बड़ा ऐसा ही रहेगा। यानी कि इनइक्वालिटीज को प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी को प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मल्टीप्लाई में बहुत फर्क पड़ता है। अभी कभी कसम खा लो चैट में, लोग कसम बोलो, कसम लग जाए हमको, बोल दो, इनइक्वालिटी में जब भी कुछ मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर तो बेटा दोनों साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो चिंता की बात नहीं है। बट अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। टीचर अक्सर बोलते हैं कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बेटा चेंज होएगी नहीं, तुमको करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को चेंज करके लिखना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो जाएगी, ठीक है? सो जब भी किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर एक एग्जाम्पल चाहते हो बेटा, जैसे कि यहां देखो, अगर 5 जो है 1 से बड़ा है, दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई, ये क्या बना -10, ये क्या बना -2, डू यू सी -2 बड़ा है, तो इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। चैट में लिख दो, चेंज करना पड़ेगा, लिख दो पड़ेगा, बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप ही हो जाएगी, बड़ा जादू नहीं होगा, तुम करोगे, ठीक है, तुम करोगे। यस निखिल, एग्जैक्टली। और अगर तुम दोनों साइड को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अभी भी बड़ा है, यहां पे भी बड़ा है, तो ऐसा। तो इनइक्वालिटी के बारे में पहली दो चीजें जो तुमको पता होनी चाहिए, ये नई चीज है, इनइक्वालिटी यानी कि ग्रेटर देन या लेस देन, अगर इनइक्वालिटी में दोनों साइड पे एक नंबर ऐड करते हो या एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो, इनइक्वालिटी सेम ही चलती जाती है। अगर 10 2 से बड़ा है तो 10+3 2+3 से बड़ा ही होगा, सेम चलता रहेगा। बट अगर मल्टीप्लाई करते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, वेरी 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 केयरफुल यू हैव टू बी। पॉजिटिव में कोई पंगा नहीं, नेगेटिव में किया तो इसको चेंज कर देना। ये कितनों को समझ आता है? स्टार पॉइंट मुझे चैट में बता दो, ये कितनों को समझ आता है? अगर ए बी से बड़ा है तो -a - b से छोटा होगा, आता है समझ? शाबाश, अगर समझ आता तो लाइक साथ में दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लाइक करते हो मुझे बहुत खुशी होती है, शेयर करते हो ज्यादा बच्चों तक नॉलेज पहुंचेगी, सब्सक्राइब करते हो तो तुमको लेटेस्ट फटाफट आप करते रहोगे, मिस नहीं होगा कुछ भी। वेरी गुड, लव यू टू शेरा, लव यू टू, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया। दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। बेटा अब मैं आ रहा हूं धीरे धीरे, पहले तो एक छोटे से ऑब्जर्वेशन पे, फिर दो तीन पप्पी से क्वेश्चन करेंगे कंफर्टेबल होने के लिए, और फिर हम करेंगे बड़ी चीज जो कि है रेसिप्रोकल लेना, रेसिप्रोकल कैसे लिया जाता है। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ ये कितनों को समझ आता है, अपने आप विदाउट माई हेल्प। अगर ए और बी सेम साइन के हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटू बी पॉजिटिव होगा। शाबाश, काफी को आता है अपने आप। ओके, अगर ए और बी ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूं कि उसका प्रोडक्ट नेगेटिव है। सबको आता है, दिल खुश कर दिया, वेरी गुड। आज के बाद फ्यूचर में मैं कभी लिख दूं यार इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मैं इंडायरेक्टली बता रहा हूं दोनों का साइन सेम है। मैं कभी लिख दूं इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इनडायरेक्टली मैं बता रहा हूं कि ऑपोजिट साइन के हैं। रेसिप्रोकल का बिहेवियर ये देखोगे मजा नहीं आएगा, मजा आएगा तुम्हें जो मैं तुमको अगले सवाल के बाद बताने वाला हूं। बिहेवियर ऑफ रेसिप्रोकल, ये है वो चीज जो तुमको मजा देने वाली है। लिख के दे रहा हूं, जो यहां बताऊंगा ना अपने सीनियर से पूछ लेना, उनको भी नहीं आती होगी, और बहुत प्यारी सी ऑब्जर्वेशन है। पहले यहां पे आओ, ये बेटा ये इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, अब मेरे ख्याल से कर सकते हो। अगर x माइनस थ्री जीरो से बड़ा है और मैं कहूं कि x बताओ, बता सकते हो आराम से, बहुत छोटू सा सवाल है, पप्पी से सवाल लिए मैंने, कुछ नहीं किया। अगले सवाल में करेंगे इनके सबके डैडी, डैडी भी नहीं, ग्रैंड 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 डैडी। आज सिर्फ बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी है, अगला सेशन जो है वो पूरा इनइक्वालिटी है, पूरा इनइक्वालिटी। हाँ सर, एक्स जो है ग्रेटर देन थ्री आ जाएगा, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान सुनो। पहले बेटा बीच का स्टेप क्या है, बीच का स्टेप जो मैं खा गया, सर मुझे चाहिए एक्स, तो मुझे माइनस थ्री को हटाना है, कैसे हटेगा, दोनों साइड पे प्लस थ्री कर दो, प्लस थ्री प्लस थ्री, सर दोनों साइड पे कुछ ऐड करो, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये यहां पे कैंसल हो गया और आ गया ऐसा। तो बेसिकली मुद्दा ये है, मैं कह सकता हूं जैसा मैं इक्वेशंस में करता था, जैसा मैं इक्वेशंस में करता था, इधर माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, सेम इनइक्वालिटीज में भी होता है, सेम इनइक्वालिटीज में भी होता है, इधर माइनस था इधर आके प्लस हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो डू यू एग्री, इसका पहला स्टेप मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा, इसका पहला स्टेप मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा, इधर माइनस है इधर आके प्लस कर दो, ये पहला स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डू यू ऑल एग्री। अभी सीखा हमने इक्वेशन की तरह बिहेव करता है जब भी मैं प्लस माइनस करता हूं, बिल्कुल इक्वेशन की तरह बिहेव करता है। ऑप्टिमस आज के सेशन शुरू से देख लेना, बहुत कुछ आ जाएगा, बाकी तो मैं तुमको सिखाता ही जाऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ अब मैं थ्री को क्रॉस हटाना चाहता हूं, थ्री को करो क्रॉस मल्टीप्लाई, या सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, या पहले चेक कर लूं कि जिसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर पहले चेक कर लो, मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई में हमने कसम खाई हुई है कि पहले चेक कर लेना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हाँ आंसर यही है। बट डू यू एग्री, यहां पे पहला स्टेप तो सारे बच्चे बिल्कुल सही करेंगे, ये प्लस टू इधर के माइनस टू हो जाएगा, बट सेकंड स्टेप वो है जो काफी बच्चे गलत कर देंगे, और तुम इसको गलत नहीं करोगे, तुम कसम खा चुके हो। माइनस थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो, नेगेटिव है, जब भी नेगेटिव को मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनइक्वालिटी को चैट में बताओ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी या करनी पड़ेगी, चैट में बताओ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी या करनी पड़ेगी। यस देवेश खन्ना बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, करनी पड़ेगी, ग्रेटर देन लेस देन थी, ग्रेटर देन करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट इट, ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी। तो आंसर आ गया एक्स ग्रेटर देन टू बाई थ्री। कुछ बच्चों ने मेरा जीरो टू हीरो सेशन लगाया हुआ है, सॉरी जीरो टू नहीं, फाउंडेशन, मैंने अभी फाउंडेशन सेशन शुरू किए थे अभी 10th मूविंग टू 11th के लिए, सीइंग दैट कि पेपर बहुत लेट थे तो मैंने कहा बच्चों को कुछ कुछ सिखाना शुरू करूं, वहां मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था डिटेल में काफी, तो उन बच्चों को एडवांटेज है, उनके लिए ये एक तरह से रेपिटिशन है।
तो अब वो मैंने फाउंडेशन रोक के फुल कोर्स ही शुरू कर दिया। अब फाउंडेशन क्या कराऊंगा, अब तो कोर्स ही शुरू कर देते हैं, पेपर ही हट गया अब तो, राइट। तो जिन बच्चों ने मेरा फाउंडेशन लगाया उनको सर्टेनली यहाँ पे इस यहाँ पे एडवांटेज है, उन्होंने चीज पहले देखी हुई है। बट अगले सेशन में जितना उन्होंने फाउंडेशन में बेबी कर्व देखा था उससे बहुत ज्यादा होने वाला है। ओके, गॉड ब्लेस यू। तो हमें यह बिहेवियर इन क्वेश्चंस के डैडी ग्रैंड डैडी ग्रैंड 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 डैडी आने वाले हैं अगले सेशन में। अगला सेशन जरूर लगा लेना, इनइक्वालिटीज का है पूरा सेशन बाय द नेम ऑफ वेवी कर्व मेथड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज पहले बिहेवियर ऑफ रेसिप्रोकल, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यार से समझाने लगा हूं, कंक्लूड करूंगा एंड पे, तुमको नजारे आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान सुनना। पर देखो यार, ये रहा जीरो, ये रहा वन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई नंबर यहां पे लेता हूं, डू यू एग्री उसका रेसिप्रोकल यहां पे आएगा? सोचो, टू ले लो रेसिप्रोकल क्या है हाफ, टेन ले लो रेसिप्रोकल क्या है वन बाय टेन, हंड्रेड ले लो रेसिप्रोकल क्या है वन बाय हंड्रेड, 1.5 ले लो रेसिप्रोकल क्या है 1 by 1.5। डू यू एग्री यहां पे कोई भी नंबर लूंगा रेसिप्रोकल इधर आएगा? आता है सबको समझ? बहुत बढ़िया। अब दूसरा पॉइंट देखो, डू यू एग्री अगर कोई भी नंबर यहां लूंगा तो रेसिप्रोकल इधर आएगा? हाफ का रेसिप्रोकल 2, 1 by 10 का रेसिप्रोकल 10, 1 by 100 का रेसिप्रोकल 100, 1 by 5 का रेसिप्रोकल 5। अब सारे एग्री करते हैं, कोई नंबर यहां लोगे तो उसका रेसिप्रोकल इधर आएगा। या सुन लो, आया मजा? अभी चार देखो, अभी बहुत बढ़िया चीज बना रहा हूं मैं, शाबाश, बहुत तकड़ी है ये, ध्यान सुनना ध्यान से। ओके, अगला पॉइंट, अगर अब मैं नेगेटिव पे जा रहा हूं, नेगेटिव पे, अब और ध्यान देना, जीरो माइनस वन, अब मैं नेगेटिव पे जा रहा हूं, अगर कोई नंबर यहां लोगे तो रेसिप्रोकल यहां पे आएगा। माइनस टेन का रेसिप्रोकल, माइनस टेन का रेसिप्रोकल माइनस वन बाय टेन, माइनस हंड्रेड का रेसिप्रोकल माइनस वन बाय हंड्रेड, माइनस टू का रेसिप्रोकल माइनस वन बाय टू। आ रहा है मजा? सिमिलरली ये देखो, यहां पे कोई नंबर लो, कोई भी नंबर माइनस और जीरो के बीच में कोई नंबर लो, रेसिप्रोकल इधर आएगा। बेटा मैं अंदर की बात कर रहा हूं, वन की बात नहीं कर रहा, जीरो की बात नहीं कर रहा, जीरो और जीरो का तो रेसिप्रोकल ही नहीं ले सकते, मैं इसके बीच की बात कर रहा हूं, बीच की बात। ओके, माइनस हाफ का रेसिप्रोकल माइनस टू, माइनस वन बाय टेन का रेसिप्रोकल माइनस टेन, माइनस वन बाय हंड्रेड का रेसिप्रोकल माइनस हंड्रेड। सबको आता है समझ? सबको समझ आता है? आ रहा है, मजा आ रहा है? तो अब बेटा फाइनल कंक्लूजन, फाइनल हमेशा याद रखो, जब भी आपको रेसिप्रोकल निकालने होंगे, जब भी रेसिप्रोकल निकालने होंगे, आप जिस नंबर जिन जिन नंबर्स का रेसिप्रोकल निकाल रहे हो उनको इसके रिस्पेक्ट में देख लेना है, उनको इसके रिस्पेक्ट में देख लेना है। जितने भी नंबर यहां पे होंगे रेसिप्रोकल यहां भाग जाएंगे, जितने नंबर यहां होंगे रेसिप्रोकल इधर आ जाएंगे। सेम इधर, जितने नंबर यहां पे होंगे रेसिप्रोकल यहां भाग जाएंगे, जितने नंबर आपके यहां होंगे रेसिप्रोकल यहां पे आ जाएंगे। चमकता है ये? अब एग्जांपल दूंगा, ये चमकता है बताओ मुझे? सबको चमक गया? बहुत बढ़िया। तो अब सुनो एग्जांपल, मैंने अभी शीट रखी कोई, इसमें एक मिनट, हाँ यहां पर। अब बेटा नंबर में, अब दूसरे ध्यान से, मैं नंबर दे रहा हूं जीरो से टू, सुनो, और मैं पूछ रहा हूं वन बाय एक्स कहां पे होगा? ध्यान से देखना, मैंने बनाया जीरो, मैंने बनाया वन, मैंने बनाया टू, ध्यान से सुनो, बहुत तगड़ी चीज आ रही है। मैंने पूछा जीरो से टू तक नंबर है, मुझे रेसिप्रोकल बताओ कहां पे होंगे। डू यू एग्री जब मैं वन से लेके टू के रेसिप्रोकल करूंगा तो वो यहां पे आने वाले हैं? यस और नो? तो इसके रेसिप्रोकल क्या बनेंगे, ये क्या बनेंगे? हाफ से लेके वन तक। डू यू ऑल एग्री? हाफ से लेके वन तक,
वन से टू का रेसिप्रोकल जो है वो अंदर जाएगा, टू का रेसिप्रोकल सबसे छोटा होगा हाफ, और इन सबके रेसिप्रोकल बीच में आ जाएंगे सारे। अच्छा, अब आता है बाकियों का रेसिप्रोकल। तुमने वन से टू का रेसिप्रोकल किया, हाफ से वन आया, जब जीरो से वन का रेसिप्रोकल करोगे कहां जाएगा? वन से इंफिनिटी। डू यू ऑल एग्री? वन से इंफिनिटी जाएगा। वन का रेसिप्रोकल वन रहेगा, और जब तुम जीरो के पास पहुंचोगे रेसिप्रोकल इंफिनिटी पहुंच जाएगा। शाबाश। तो अब सुनो मैं कैसे लिख रहा हूं। जब भी मेरे को रेसिप्रोकल करना होगा, सुनो, जब भी मुझे रेसिप्रोकल करना होगा, मैं इसको हिस्सों में तोड़ दूंगा, हमेशा हिस्सों में तोड़ दूंगा। जीरो से वन तक अलग लिख लूंगा, और वन से लेके टू तक अलग लिख लूंगा। इसके रेसिप्रोकल मुझे पता है, वन से इंफिनिटी जाएंगे, और इसके रेसिप्रोकल मुझे पता है हाफ से वन आएंगे। आंसर आ गया हाफ से वन और वन से इंफिनिटी, यानी कि हाफ से लेके इंफिनिटी, यानी कि हाफ से लेके इंफिनिटी। बोलो मजा आया? बोलो मजा आया? तो इसके इतने पार्ट के रेसिप्रोकल है हाफ से वन, इसके रेसिप्रोकल है वन से इंफिनिटी, तो पूरा रेसिप्रोकल क्या आ गया? हाफ से लेके इंफिनिटी, हाफ से लेके इंफिनिटी। अब मैं तुमको बताता हूं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या लगाना है, सुनो, ये तो होगी डिटेलिंग। शॉर्टकट ये लगाना है बेटा, जब भी तुम इसे रेसिप्रोकल करोगे, वन बाय एक्स करोगे, सबसे छोटा रेसिप्रोकल टू का आएगा। तुम इन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर रहे हो, सबसे छोटा रेसिप्रोकल टू का आएगा जो कि है हाफ, और सबसे बड़ा रेसिप्रोकल जीरो का आएगा जो कि जाएगा इंफिनिटी। तो आंसर आ गया हाफ से लेके इंफिनिटी। बोलो आए मजे? बोलो आए नहीं आ रहे? सबसे छोटा रेसिप्रोकल टू का आएगा, सबसे बड़ा रेसिप्रोकल जीरो की ओर जाएगा, तो आंसर आएगा हाफ से लेके इंफिनिटी तक। छा गए? एक और एग्जांपल देखो। एक्स था वन से जीरो से लेते हैं, जीरो से टेन तक। मैंने पूछा मुझे बताओ वन बाय एक्स कहां पे होगा, तो कैसे देखेंगे? जीरो वन टेन। तो बताओ सबसे छोटा रेसिप्रोकल किसका आएगा? जब मैं जीरो से टेन तक रेसिप्रोकल लूंगा, सबसे छोटा रेसिप्रोकल किसका आएगा? बताओ सबसे छोटा रेसिप्रोकल किसका आएगा? सर जी टेन का आएगा। सबसे छोटा रेसिप्रोकल टेन का आएगा। सबसे बड़ा रेसिप्रोकल किसका आएगा? सबसे बड़ा रेसिप्रोकल किसका आएगा? सर जी जब मैं जीरो के पास हूं, बिल्कुल जीरो के पास, तब सबसे बड़ा रेसिप्रोकल आएगा। कितना? इंफिनिटी। तो आंसर क्या आ गया? वन बाय टेन से लेके इंफिनिटी, वन बाय टेन से लेके इंफिनिटी। ये समझ गए? वन बाय टेन से लेके इंफिनिटी। चमका? चमक गया? बहुत बढ़िया। अब देखो एक लेवल और आगे का, एक लेवल और आगे। तुम्हें एक्स दिया गया, एक मिनट अच्छा, ऐसे तुम्हें एक्स दिया गया था माइनस टू से टू, और वन बाय एक्स पूछा गया है कहां पे है। अब ध्यान से देखना बेटा, वो देख लो, अगर यहां पे ओपन है तो उसका रेसिप्रोकल ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, अगर यहां पे क्लोज्ड है तो रेसिप्रोकल भी क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। मैंने पहले ही बताया, जब भी रेसिप्रोकल देखने हैं तो माइनस वन जीरो वन इसके रिस्पेक्ट में देखो। तो सबसे बड़ा मेरा नंबर टू बैठा है, और सबसे छोटा नंबर बैठा है माइनस टू। ये मुझे इस पूरे का रेसिप्रोकल लेना है, माइनस टू से टू तक का रेसिप्रोकल लेना है। ऑब्वियसली जब मैं रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि वन बाय एक्स तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो एक्स जीरो नहीं है। अब सुनो रेसिप्रोकल कैसे लेना, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। मुझे यहां से लेके यहां तक इन सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल लेना है। सीधे मत लो, इसका अलग से देखो
इसका अलग से देखो। क्या तुम सारे जानते हो ना कि जब मैं इन नंबर्स का रेसिप्रोकल लूंगा तो सबसे छोटा रेसिप्रोकल आने वाला है हाफ और सबसे बड़ा रेसिप्रोकल आने वाला है इन्फिनिटी। यस और नो। जब मैं इन नंबर्स का रेसिप्रोकल लूंगा, सबसे बड़ा रेसिप्रोकल, सबसे छोटा 2 का आएगा रेसिप्रोकल, सबसे बड़ा आएगा 0 का रेसिप्रोकल। तो इन नेगेटिव में भी देख लो यार, जब मैं इनका रेसिप्रोकल लूंगा, सबसे पीछे किसका रेसिप्रोकल आएगा? 0 का, पीछे की ओर, माइनस इंफिनिटी। मैंने ऐसे 0, आई मीन 0 के बहुत पास, राइट? सबसे पीछे आएगा 0 का, तो माइनस इंफिनिटी। और सबसे आगे किसका आएगा? माइनस 2 का। आगे नहीं आ रहा ना, क्या आगे नहीं जा रहे? तो आंसर क्या आ गया? अगर x माइनस 2 से 2 है तो रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 है, और हाफ से, सॉरी, माइनस वन बाय टू। तो रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ है और हाफ से इंफिनिटी है। तो 1 बाय एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ, यूनियन हाफ से इंफिनिटी। मैं कहा कितनों को नजारे आए बताओ, देखूं जरा कितने बच्चे आईआईटी क्लियर कर रहे हैं, कितने बच्चे आईआईटी क्लियर कर रहे हैं देखूं जरा, फटाफट चैट बताओ। फिर इसके बाद मैं तुमसे सवाल पूछने लगा हूं, तुम जवाब दोगे। मैं डराने के लिए अगर यहां पे इक्वल डाल दूं तो डरोगे तो नहीं? लेस देन इक्वल कुछ नहीं है, यहां पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी और यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी और कुछ नहीं। यस और नो? अब इक्वल भी अलाउड हो गया। हाँ, शाबाश, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा एक सवाल तुम करो, अब मेरा एक्स जो है वो माइनस 2 से 10 है, तो मुझे 1 बाय एक्स बताओ कहां पे होगा, बताओ फटाफट। आंसर लेके ही जाए तुमसे जरा, माइनस 1 0 1, सबसे बड़ा नंबर यहां बैठा है 10 और सबसे छोटा नंबर है माइनस 2। मुझे इन सब का रेसिप्रोकल चाहिए, इन सब का रेसिप्रोकल। माइनस 2 से 10 का रेसिप्रोकल बताओ, माइनस 2 से 10 का रेसिप्रोकल बताओ। सीधी सी बात है, पहले इधर का रेसिप्रोकल कर लो और उसके बाद इधर का रेसिप्रोकल कर लो, आंसर लिख दो। पहले 0 से 1 का, 0 से 10 का रेसिप्रोकल करो फटाफट। वेरी गुड, 0 से 10 का रेसिप्रोकल क्या आ गया? 0 से 10 का रेसिप्रोकल, सबसे छोटा आएगा 1 बाय 10 और सबसे बड़ा आएगा इंफिनिटी। बिल्कुल सही जा रहे हो। और माइनस 2 से 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? सबसे छोटा आएगा माइनस इंफिनिटी, सबसे बड़ा आएगा माइनस हाफ। छा गए सारे के सारे, आगे नहीं जा रहे? तो आंसर क्या आया बेटा? माइनस इंफिनिटी से माइनस हाफ और यूनियन कर दो 1 बाय 10 से इंफिनिटी, खत्म। ऐसे क्लियर हुआ आईआईटी? ये कॉन्सेप्ट्स आपको इस तरह से पीने पड़ेंगे लॉजिकली देखकर। दिख रहा है ना बेटा इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कहां जाएगा, दिख रहा है ना? जब ये दिखना शुरू हो जाएगा ना बेटा, तो तुम्हारा मेंटल लेवल इतना बढ़ेगा कि तुम आईआईटी को टारगेट कर लोगे। बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हो सारे, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। ऐसे चीजों को सीखना है तुमने, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसके साथ आज का सेशन ये चुप्पा बिहेवियर था खत्म हुआ। अगले सेशन में हमने वेवी कर्व पढ़ना है जो कि बहुत क्रिटिकल है, तो वो जरूर लगा लेना। वो सेशन कल ही है, ठीक है? अगर कल तक सूरी सर के घर का प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो गया तो सूरी सर सेशन लेंगे, अगर वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ तो मैं ही कंटिन्यू करूंगा और सूरी सर 2 दिन बाद आएंगे, ठीक है? अभी उनके घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी का, तो फिर इसके तो सेशन नहीं ले पाए, ठीक? नाउ एज इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, मैं सेशन के एंड पे आपको बताऊंगा कि सब्सक्रिप्शन को कैसे आपने बाय करना है और आपको पढ़ना चाहिए सब्सक्रिप्शन से हाइब्रिड मॉडल बना के। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये अलॉन्ग विद हेल्प फ्रॉम यूट्यूब मिलके आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है, ठीक है? यहां के मैंने बिगिनिंग बताया था कि मैं आपको बताऊंगा एंड में डिटेल में कि क्या क्या फीचर होते हैं। तो आप सुनो ध्यान से, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं बेटा। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूं, आपको पता लगेगा इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है?
पोस्ट क्लास कंटेंट, हर एक सेशन का असाइनमेंट मिलता है, हर एक चैप्टर का एक बुकलेट मिलता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल की एक्सरसाइज होती है, राइट ये आपको मिलेगा और आपको ये हार्ड कॉपी डिलीवर की जाएगी। ऑल्टरनेट वीक टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव जो है मेन पैटर्न का अलग होता है, एडवांस पैटर्न का अलग होता है। बात है कि आपको जो जो तैयारी के लिए चाहिए होता है, जिसे रैंक आता है, वो सारा यहां पे होता है सिस्टमैटिकली। लेट मी शो यू वन ऑफ माय ओन क्लास। तुम सारे जब सब्सक्रिप्शन लोगे तुमको मेरे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, तो वहां पे भी कैसे पढ़ाता हूं देखो। ऐसे चलता है हाँ। तो सम हाउ दिस इज हाउ द क्लास इज स्टार्ट। थोड़ा मजे से थोड़ा इंटरेक्शन करके शुरू होती क्लास। जैसे ही फ्लो फ्लो बन गया, बच्चे एनर्जेटिक हो गए, पढ़ाई शुरू हो जाती है। पूरे नोट्स होते हैं टाइप, बट टीचर पढ़ लिख के समझाते ताकि अच्छा समझ आए, कुछ रह ना जाए। ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो सेशन के बाद। टीचर पोल लेता है कि कितने बच्चों को समझ आया, कितने को नहीं समझ आया। जिसको समझ नहीं आया, कोई डाउट रह गया, बच्चा अनम्यूट करके टीचर से बात करता है। टीचर से प्रॉपर डाउट लेता है, टीचर बताता है कि कैसे बेटा क्या डाउट था, क्लियर करता है। क्लियर करने के बाद क्विज होता है, टीचर फिर टेस्ट लेता है पूरी क्लास का। क्लास में करीबन 7-8 क्विज होते हैं। हर एक क्विज के बाद रिपोर्ट बन जाती है, कितनों ने ठीक किया, कोई कहीं गलती तो नहीं कर रहा। एंड में लीडर बोर्ड आ जाता है, सबसे ऊपर कौन रहा आज क्लास में, सेकंड कौन रहा आज क्लास में, एंड सो ऑन। उससे पूरा एक फ्लो बना रहता है पढ़ाई का, राइट। एंड क्लास के एंड बच्चे फीडबैक देते हैं। अगर ये इसका पर्पज होता है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बच्चों को कोई दिक्कत आ गई कहीं पे तो बच्चा बता पाए, तो सिस्टम उनको हेल्प करता है उस दिक्कत को दूर करने के लिए, तो फीडबैक रहता है प्रॉपर। तो इस तरह से क्लासेस चलती हैं सारी की सारी, ओके। एंड यहाँ पे टीचर बात करता है, यहाँ पे चैट होती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, डाउट का कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे टू टीचर मॉडल रहता है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो डाउट लूंगा ही लूंगा, मैं तो डाउट लूंगा ही। मेरे पैरेलल और बहुत सारे टीचर क्लास में बैठते हैं जो बच्चों के पैरेलली डाउट लेते रहते हैं, ताकि कोई डाउट रह ना जाए, ठीक है। रिगार्डिंग कॉस्ट ऑल्सो मैं बता रहा हूं आपको, क्या कॉस्ट है इसकी और क्या क्या डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है आपके पास, सब बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको जरूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपसे वहां जाके भी पर्सनली इंटरेक्ट कर पाऊं, राइट। एंड रेगुलर टेस्ट सीबीटी मोड में होते हैं, जिसका कि प्रॉपर रिपोर्ट आता है, क्या सही क्या गलत, किस टॉपिक में सही किस टॉपिक में गलत। इन्हीं सभी सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर की वजह से हमारे जो रिजल्ट है वेदांतु के ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो सीबीएसई है चाहे वो एडवांस है, टॉप पे है, ओके। मुझे नहीं पता आपको कितना जेईई मेन एडवांस का भी पता है, हम बताएंगे धीरे धीरे, आपको गाइड करेंगे। बट वेदांतु जेईई में हर एक दो में से एक बच्चा क्वालिफाई करता है एडवांस के लिए, जेईई मेंस क्वालिफाई हो जाता है उसका। हर एक 10 में से एक बच्चा एडवांस में रैंक लेता है, एडवांस क्लियर करके आईआईटी जाता है। तो दिस इज व्हाट वेदांतु इज ऑल अबाउट, और ये बच्चे छा जाते हैं, राइट। मल्टीपल कोर्स में एनरोल करते, तो ये बहुत बड़ी पावर है सब्सक्रिप्शन की। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा, राइट। पहली बात तो इसके टाइमिंग आपके स्कूल से क्रैश नहीं करेंगे, अगर आप स्कूल जाते भी हो, इसके टाइमिंग इवनिंग के रहते हैं, राइट, तो क्रैशिंग नहीं होती कभी भी। हर एक 15 दिन में एक नया बैच शुरू हो जाता है, तो आप जब भी एंटर करोगे सब्सक्रिप्शन में, ये मत सोचो कि अगला बैच कब आएगा, नहीं, हर एक 15 डेज पे नया बैच बनता है। 26 अप्रैल को ही शुरू हो रहा है पहला बैच, एक बैच तो शुरू हो चुका है, अगला बैच 26 अप्रैल को शुरू हो रहा है। हिंदी भी शुरू हो रहा है, इंग्लिश भी शुरू हो रहा है। हिंदी मीन इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज हिंदी है, बाकी कंटेंट तो इंग्लिश ही होता है, जैसे नॉर्मल मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज अ लैंग्वेज। और एक इंग्लिश बैच भी लॉन्च हो रहा है जो प्योर इंग्लिश रहता है, राइट। एक सब्सक्रिप्शन लोगे आपको जेई भी पढ़ाया जाएगा, आप जेई का बैच ज्वाइन करोगे, साथ में आपको लगता है वो सीबीएसई भी ज्वाइन करना, तो सेम फीस में ही आप सीबीएसई की क्लासेस भी लगा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे मॉड्यूलर कोर्सेज चलते रहते हैं, कभी ब्रिज कोर्स, कभी क्रैश कोर्स, कभी कोई पर्टिकुलर चैप्टर का कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स लॉन्च करते हैं अपने बैचेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद बहुत सारे बैचेस लॉन्च करने वाला हूँ इस बारी, तो आप इसके थ्रू मेरे किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो और मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अकेला मैं ही नहीं, इस चैनल के सारे टीचर्स लॉन्च करेंगे। अभी मेरा पहला बैच 1 मई से लॉन्च होने का प्लान है, तो आप जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको विद इन 5-10 डेज मेरा बैच दिखना शुरू हो जाएगा, एंड हम वहां भी मिलेंगे, राइट। तो आप मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ये बहुत तकड़ा पावर होता है सब्सक्रिप्शन का। इसको ज्वाइन कैसे करते हैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस कोड से। कैसे ज्वाइन करना है ध्यान से सुनो बेटा, जल्दी आप सबको वहां पे मिलना है, मैं मिलता हूं मैं आपको कीप। देखो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसी सेशन को ना ओपन कर लेना है, इसी सेशन को, ये सेशन था, ओपन कर देना है, राइट। इसी सेशन के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे,
अगर जाओगे चल पड़े यार गुस्सा निखाते, लाइक ठीक है अच्छे है, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार और भी ठीक है, मज़ा आता जब तो। अच्छा ये तो वो है, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा कहीं पे AVK प्रो, ये ना वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन राइट, इस लिंक पे क्लिक कर देना आपने, या आपको उस पेज पे ले जाएगी जहाँ पे आपको, आप चाहो तो दोबारा सारे फीचर्स दे सकते हो, ये प्ले करो आपको सारे फीचर दिख जाएंगे, यहाँ पे भी डिटेल फीचर लिखे हुए हैं, लाइट प्रो क्लासिक प्रो प्लस इनमें क्या क्या फर्क होता है, तीन तरह की सब्सक्रिप्शन होती है बेटा, प्रो लाइट प्रो क्लासिक प्रो प्लस, ये सबसे सस्ती रहती है, बहुत अफोर्डेबल है, ये थोड़ा कॉस्टली रहता है, मैं पर्सनली इसको काफ़ी सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ मिलती है जो बहुत यूजफुल है, रेस्ट आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप इससे शुरू कर सकते हैं, बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है, यहाँ से शुरू करके अपग्रेड कर लो राइट। जो प्रो प्लस का सबसे बड़ा फायदा रहता है वो है ये बेटा, यहाँ पे लिखा है ये रहा पर्सनल मेंटर, आपको प्रो प्लस में ना बेटा एक पर्सनल मेंटर मिल जाता है, एक ऐसा टीचर जो डेडिकेटेडली तुम्हारे साथ है, तुम जब मर्जी फोन कर लो, तुम जब मर्जी उस टीचर के साथ 1-on-1 सेशन कर लो, ये टीचर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आपकी हेल्प करेगा, आपका शेड्यूल बनवाएगा, आप अटक रहे हो आपकी हेल्प करेगा, आपके डाउट लेगा, 1-on-1 सेशंस होंगे, ये सब कुछ आपको मिलता है बेटा प्रो प्लस में ठीक है। तो डिपेंड करता है, टू बिगिन विद आप प्रो लाइट ले सकते हो जिसकी कि एनुअल कॉस्ट इतनी है 42749 42000, ऑफलाइन से कंपेयर करोगे किसी भी या ऑनलाइन से बहुत चीप है बेटा, ऑफलाइन में तो आजकल 1.5-1.5 लाख तक लग जाता है, इसमें ये मिल रहा है और इसमें आपको JEE CBSE माइक्रो सब कुछ मिल रहा है, अलग अलग नहीं है बेटा सब कुछ है। तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आई नॉर्मली सजेस्ट प्लस, वो कॉस्टली है बट डिस्काउंट करके सस्ता हो जाता है, 23% सस्ता हो जाता है राइट, तो उतना भी कॉस्टली नहीं है, बट येस टू स्टार्ट इधर आपको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम है तो प्रो लाइट से शुरू कर सकते हो, करना कुछ नहीं है, चाहे 1 month ले लो चाहे बाय कंप्लीट कोर्स ले लो, कंप्लीटली योर चॉइस, मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि कंप्लीट कोर्स लो क्योंकि ये और सस्ता हो जाता है, उसके जो डिस्काउंट है, तो सीधे बेटा बाय कंप्लीट पे क्लिक किया, ये पेज आ जाएगा, कॉस्ट 47 आ जाएगी, 42 हो जाएगी, 47 से फर्दर 42 हो गई, एंड देन जस्ट पे, आप EMI भी बना सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है, EMI बना सकते हो या किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हो राइट। सो गो फॉर इट, अगर आप अपनी तैयारी को एंड टू एंड बिल्कुल टॉप क्लास रखना चाहते हैं राइट, आपकी हर एक चीज का सोल्यूशन है इस सब्सक्रिप्शन में, एंड अगर आपका भी कोई डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने अपने से सारे आपके डाउट्स ले लिए हैं, एक मिनट मैं चैट ओपन कर लेता हूँ आपकी, ये रही, अरे आई नहीं चैट, बुरा मान गई, चलो नेवर माइंड, यहाँ देख लेते हैं। हाँ अब बताओ, पॉप पॉप पॉप, हाँ अब बताओ जरा विच टीचर्स, बेटा हम सारे होंगे और भी होंगे, बहुत सारे बैच लॉन्च होते हैं, इतना पक्का है कि हर एक 15 दिन में बैच लॉन्च होता है और आप हमसे भी पढ़ पाओगे क्योंकि हमारे बैच बहुत सारे लॉन्च होते हैं और हम बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं, तो आप में से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो राइट। आपका बैच बिल्कुल शुरू होगा बेटा, क्यों नहीं होगा, और सब ठीक चल रहा है, ओके नाउ सूरी सर भी आई होप कि फटाफट रिकवर कर जाए, उनकी फैमिली उनका घर पर काफी प्रॉब्लम चल रहा है कोविड के करके, बट यस आप एक चीज करो, दोस्तों को सबको बोल दो फटाफट ज्वाइन कर ले वेदांतु JEE चैनल, सब्सक्राइब कर ले, सो दैट मैं जो बहुत सारी चीजें आपके लिए लाना चाहता हूँ, टीचर के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स के सीक्रेट्स राइट, एंड हाउ टू मैनेज कंप्लीट 11th में मैथ्स को कैसे पढ़ना है, डिफरेंट जो अलजेब्रा कैलकुलस है उनको कैसे समझना है, उनका अप्रोच क्या है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा विद इन फ्यू डेज, जैसे मेरे को लगेगा मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, एग्जैक्टली सब कुछ टाइम टेबल कैसा होना चाहिए सब कुछ ठीक। सो आई थिंक विद दैट इट्स अ टाइम टू से गुड बाय DPP बेटा, जितने भी सेशन होते हैं उनका PDF और DPP सेम नाइट को डिस्क्रिप्शन में लोड हो जाएगा, तो आज रात को आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और आपको इसका DPP भी मिल जाएगा ठीक। और बताओ, और इस चैनल पे PCM तीनों चलने हैं राइट ओके, और यही आपका स्लॉट रहेगा 5-7 का स्लॉट रहेगा आपका,
एकलव्य रजिस्ट्रेशन क्लोज बेटा, एकलव्य तो लगे ना, अभी हम इलेवंथ की बात कर रहे हैं बेटा, वो ट्वेल्थ आउटगोइंग बच्चों की बात है एकलव्य जो है। बुक्स ये सब कोर्स सब्सक्रिप्शन में आपको बुक्स भी मिलती हैं और हार्ड कॉपी में मिलती हैं बेटा, आपको सब कुछ हार्ड कॉपी में डिलीवर हो जाता है बैच ज्वाइन करने के करीबन हफ्ते से 10 दिन में, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द बैचेज ऑल्सो इन द प्रो सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ाता ही रहूँगा, मज़ा आता ही रहेगा, पर बैच में भी ज़रूर आओ, वहाँ पे तुमसे और इंटरेक्शन होगी तो और मज़ा आएगा, और दोनों का हाइब्रिड पकड़ो, दोनों का बेस्ट लेके आईआईटी क्लियर करो, ठीक है। गिव योर बेस्ट पोटेंशियल आउट, सारे जो आपका बेस्ट है वो बाहर आना चाहिए, ठीक। ओके आदित्य, गॉड ब्लेस यू। हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स, बेटा अगर आप पढ़ोगे तो आपको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़ोगे तो बेटा फिर तो कन्विंस करके भी कुछ ना हो रहा। सो पढ़ना है बेटा, डेडिकेशन होनी चाहिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक। और सब ठीक, चलो आई थिंक इट्स अ टाइम, सर गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहो, सेशन को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको पता लग जाए कि यहाँ पे क्या शुरू हो गया है। और अगला सेशन बहुत क्रिटिकल है मेरा, इनइक्वालिटीज का वेवी कर्व मेथड, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, मिस मत करना, ठीक है। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। डीपीपी जरूर करनी है बेटा, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद डीपीपी का सेशन होगा, तुमने वहां पे आके चेक करना है अपने आप को, जो जो नहीं हुए थे वो कैसे करने थे, आपको डीपीपी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होंगे, ताकि आप जब अटेम्प्ट करो जो नहीं हुआ उसको सॉल्यूशन देख के समझो, बट डीपीपी का डिस्कशन भी होगा। मैं फिर से कह दूं, जिस बच्चे ने अभी तक ये सेशन नहीं लगाया है वो जरूर लगा लो, जिसमें मैंने इसका पूरा बताया सेशन में कि क्या क्या चलना है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। खुल जाए बेटा, खुल जाए, गुस्सा नहीं खाते, इसको कुछ हो गया है, इस पेज पे कुछ तो दिक्कत है, गुस्सा नहीं खाते यार, ऐसा करेगा तू इतना गुस्सा, रुक जा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक सेशन लिया था जहां मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या चलना है, ओके। हाँ, यूट्यूब ओपन करके, वेदांतु जेई ओपन करके आपको यहीं पे मिल जाएगा, वीडियोस में चले जाते हैं, यहाँ पे कहीं होगा जहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इस बैच में ये रहा। ये सेशन ज़रूर देख लेना बेटा, इलेवंथ का शेड्यूल, टीचर एंड शेड्यूल एंड एवरीथिंग, ये पूरा देख लेना, इसमें मैंने बताया हुआ है कि वेदांतु जेई लीड जो चलेगा उसमें क्या क्या मिलेगा, डीपीपी कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे होंगे, टेस्टिंग कैसे होगी, सारा इसमें बताया हुआ है, शेड्यूल क्या रहेगा, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो ये सेशन जरूर देख लेना, 11th क्लास, टीचर्स एंड शेड्यूल, मास्टर प्लान, ठीक। ओके बेटा, एंड यस, जो प्रो सब्सक्रिप्शन है आप 1 मंथ भी ले सकते हो, ओके, डिपेंडिंग अपॉन, आपको लगता है कि बिगिनिंग में एक्सपेंडिचर करना मुश्किल, आपको लगता है पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर है नहीं बेटा, ये इन्वेस्टमेंट है, ओके, बिकॉज आपको इसका स्ट्रांग एक रिटर्न मिलने वाला है। बट आप अगर बिगनिंग में लगता थोड़ा बहुत कॉन्स्ट्रेंट है तो आप यहाँ पे ना बेटा 1 मंथ से भी शुरू कर सकते हो, उसको बाद में एक्सटेंड कर सकते हो, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक। तो चलो, इट्स टाइम से गुड बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन अगेन। कल तक सूरी सर का थोड़ा सीन ठीक हो गया फैमिली का, तो आई ट्राई कि वो कल आए, वरना फिर जो शेड्यूल्ड मैथ्स का सेशन कल, फिकल वही होगा, ठीक। यस बेटा गौतम, यस, जो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन वाले भी, हमको बुक्स मिलेंगी, ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं मिलेंगी, उनको पहला पूरा सेट मिलेगा, करीबन 7 to 10 days में बुक्स मिल जाती हैं बेटा, ठीक है। तो आप 1 मंथ सब्सक्रिप्शन भी लोगे तो भी आएंगी बुक्स। वैसे तुमको बताऊं, डाटा ये कहता है कि जितने बच्चे 1 मंथ लेते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्सटेंड करते ही हैं, वो इतने ज़्यादा फिट हो जाते हैं सिस्टम के साथ, वो छोड़ ही नहीं पाते। तो तभी मैंने कहा सीधे 1 year के ले लेना, पैसे बचाओ, 1 मंथ लेके फिर बाद में एक्सटेंड करोगे। येस ऑफ कोर्स कृष्णा, देर इज नो डाउट इन इट, ओके, देर इज नो डाउट इन इट। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैथ का पूरा शेड्यूल भी बताऊंगा, पहले कुछ हफ्तों का, ठीक है। आज फर्स्ट सेशन था तो कुछ बच्चे आज आए होंगे, कुछ नहीं तो मेरे को था कि 1-2 दिन बाद जब सारे बच्चे आ जाएंगे फिर एक साथ बताऊंगा। तो वैसे मैंने चैप्टर का ऑर्डर उस वीडियो में बताया हुआ है जो मैंने 11th क्लास का दिखाया, आप देख लो पूरा, बट मैं आपको सेशन में भी पूरा फ्लो बताऊंगा, ठीक। डीपीपी रात को बेटा, रात को सेशन का पीडीएफ और डीपीपी आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, श्योर सागर, चलो ओके बाय बाय। और जाते जाते फटाफट एक बार हैशटैग पॉजिटिविटी कर दो, खुश होके जाना है, आना भी खुश होके है, जाना भी खुश होके है, तो फटाफट एक बार चैट में हैशटैग पॉजिटिविटी, हैशटैग वीलॉप,
वेदांतु लर्निंग ओवर पार्ट VLOP, ये दोनों चीज़ें लिख दो और फुल एनर्जी से जाओ, थोड़ा खेलो कूदो, ब्रेक लो और फिर से पढ़ाई पे लग जाओ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहो बेटा। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, ओके, खुश रहो खुश रहो। 1 ईयर का है, 2 ईयर का है बेटा? प्रो सब्सक्रिप्शन जो होता है ये 1 ईयर का होता है और आप इसको बाद में एक्सटेंड करके 2 ईयर का कर सकते हो, ओके? अच्छा नहीं, ये प्राइस जो है ये 2 ईयर का होगा बेटा, एक मिनट देख लेता हूँ, ये 2 ईयर का होगा प्राइस, क्योंकि 11th के बच्चे अगर लेंगे तो वो 2 ईयर का होगा ना उनका। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, बाय कंप्लीट कोर्स और 40, 60, 3 चक्की, हाँ बेटा ये 2 ईयर का है, 2 ईयर का प्राइस है ये, ओके? दिस इज अ प्राइस फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे पूरी टीचर डिटेलिंग भी दी हुई है, देखो भाई तुम्हारे भाई की फ़ोटो टॉप टीचर्स में आती है, मजाक है कोई? टॉप टीचर में भाई की फ़ोटो लगी हुई है, क्या आंटा भाई तुम्हारा कभी घमंड नहीं किया, ओके? तो बहुत सस्ता होता है बेटा ये सब्सक्रिप्शन, फटाफट ले लो, ठीक है? ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।